And she is a professor in the history in the department of history and has been the former and has been commanding. I would rather say, बाकी सब लोग प्लीज अपने आप को म्यूट कर लीजिए. साहिल जी, साहिल सबरवाल जी, यू हैव जॉइंड अस, काइंडली म्यूट योरसेल्फ. इन्होंने इस डिपार्टमेंट को लगभग 10 साल देखा है, संभाला है, तराशा है और आज भी ये बहुत सारे विषयों के साथ जुड़े हुए हैं, बहुत सारे प्रोजेक्ट कर रहे हैं. शी इज कोऑर्डिनेटर फॉर हरि भक्ति सेंटर फॉर हिस्टोरिकल रिसर्च एंड स्टडीज एंड शी इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ द यूजीसी डीआरएस 1 from 2016 to the period of 2021, Department of History, Faculty of Arts. She is also the director for the Center of Urban Studies, CUS, and director, Women Grievance Prevention and Redressal Center, and chairperson, Internal Complaint Committee. She has also looked after as a former OSD, Principal, Baroda Sanskrit Mahavidyalaya, BSM, and honorary director of All India Central Services Training Center and PG Council Member of Arts, Commerce and Journalism for the period of 2015-18. And again, the OSD of BSM from the year 2018 till date. And the Maharaja Shivaji Rao University of Baroda, she is presently representing us from there. And we are very delighted, ma'am, to have you here. It's a pleasure for all of us to listen to you, to invite you, and we are really thankful to you for joining us, sparing your valuable time. She is working on a lot of projects, and despite of your busy schedule, you have managed to spare some of your valuable time to discuss on such an important issue with all of us. And I think इससे अच्छी शुरुआत नहीं हो सकती कि हम हायर एजुकेशन सिस्टम को समझने जा रहे हैं, उसके बारे में जानने जा रहे हैं और आज हम उसमें से कुछ बहुत ही गंभीर विषयों के ऊपर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मैडम आज जुड़े हुए हैं और उसमें से एक बहुत अहम मुद्दा है जो बहुत ही करंट है. देखिए, फ्रॉम द हिस्ट्री टू कंटेम्प्रेरी, शी इज ज्वाइनिंग अस फ्रॉम देयर 1950 से लेके और आज की नेशनल एजुकेशन पॉलिसी तक मैम हमारे साथ बात करने वाले हैं. तो इसके लिए हम आपका अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं और धन्यवाद देते हैं. ओवर टू यू मैम. आवाज नहीं आ रही मैम, प्लीज अनम्यूट कर लीजिए मैम आप. ओके, आप सबको बहुत बहुत सादर नमस्कार. जिस तरीके से आपकी डायरेक्टर मैडम ने मुझे इंट्रोड्यूस किया है, इससे ऐसा लगता है कि जो है मेरे को कई खिड़कियों में देखने का मौका मिला है और ये सही बात है कि कई खिड़कियों में देखने का मौका मिला है. मैं आपके साथ हिंदी और अंग्रेजी दोनों में बात करना चाहूंगी क्योंकि जहां तक मेरे को जानकारी मिल रही है, मैं बहुत सारे हरियाणा और पंजाब के लोगों से जुड़ रही हूँ. तो सबसे पहले छोटा सा परिचय दे दूं कि मैं भी हरियाणा से जुड़ी हुई हूँ. रोहतक मेरा जो है एक तरीके से स्थान रहा, तो मैं आप लोगों में से ही हूँ. दूसरा, आपके जो सोनीपत विश्वविद्यालय है, इसके साथ भी मैं पिछले 2-3 साल से जुड़ी हुई हूँ. तीसरी एक और चीज जो मुझे हरियाणा से जोड़ती है, वो मेरा अपना खुद का PhD का टॉपिक है जो कि अर्बन डायनामिक्स इन हरियाणा फ्रॉम 14 टू मिड 18th सेंचुरी, और उसके बाद मैं उसको कंटेम्पररी तरीके से देखती ही रही क्योंकि एक बहुत छोटा सा स्टेट था और बड़ी स्टेट में से निकल के आया और फिर इसको अपने अस्तित्व के लिए एक स्ट्रगल करना पड़ा. ये जो स्ट्रगल हम जिसकी बात कर रहे हैं, क्योंकि आज हम शिक्षा के क्षेत्र में बात कर रहे हैं, इसलिए इस स्ट्रगल की मैं बात कर रही हूँ. क्योंकि अगर आप हरियाणा को देखें, चंडीगढ़ को हटा दीजिए, तो देखें तो आप काउंट कीजिए कि कितनी इंस्टीट्यूट्स आपके पास हैं, ओके, जो कि आप नेशनल लेवल पे और इंटरनेशनल लेवल पे काउंट कर सकते हैं. तो एक चीज जो मुझे बहुत क्लियरली दिखती है हरियाणा के अंदर, वो स्पोर्ट्स दिखाई देता है ना, क्योंकि सोनीपत के पास आपका राजीव गांधी यूनिवर्सिटी भी है स्पोर्ट्स को लेके, जिसको कि विजुअलाइज किया गया था कि आप उसको इंटरनेशनल लेवल पे बनाएंगे. एक और चीज जो मैं, जब मैडम आप लोगों से परिचय ले रही थी,
तो मैंने जब ज्वाइन किया तो एक तो कोई अपना इंग्लिश विभाग से संपर्क रखती थी उन्होंने कहा, दूसरा कंप्यूटर साइंस विभाग से किया। तो मैं ये मान के चल रही हूँ कि सोशल साइंसेस, नेचुरल साइंसेस, फिजिकल साइंसेस और जो एडवांस साइंसेस है उनसे आप लोग जुड़े हुए होंगे। और एक आखिरी चीज, उससे पहले कि मैं अपना वक्तव्य शुरू करूं, कि आज आप देख रहे हो कि कोविड सिचुएशन में हम सब जो है एक दूसरे को देख पा रहे हैं, पहली चीज, एक दूसरे से जुड़ पा रहे हैं। ये सब कैसे संभव है? साइंस और टेक्नोलॉजी की वजह से संभव है। और आप एक सोचे, एक साथ जूम पे जो है मोर देन 100 लोग जुड़ जाते हैं, गूगल मीट पे कितने सारे लोग जुड़ जाते हैं, जबकि कोविड जब तक नहीं शुरू हुआ था तब तक हम फिजिकली जाते थे। अभी पैसा भी कम खर्च होता है, तात्कालिक हम जुड़ जाते हैं। तो ये सब चीजें कहाँ से आई, ये एक बहुत बड़ा सवाल होता है। उत्तर भी आपको सबको पता है, क्योंकि हम सभी लोग शिक्षक हैं, तो हमको पता है कि निरंतर हम प्रयासरत रहे हैं, है ना। तो और अगर हम एक और चीज देखें कि अपने आप वेदों से अगर देखते हैं, तो उसमें तो कहते थे कि हमको जो है ऑप्टिक फाइबर की जरूरत ही नहीं थी, ठीक है, मेडिटेशन के थ्रू, है ना, ईश्वर से आप जुड़ जाते थे। तो वो तो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग वाईफाई का सोर्स होता था, जिसके ऊपर जो है रिसर्च आज भी जा रही है, बहस आज भी जा रही है। लेकिन मटेरियल प्लेन पे इस चीज को हकीकत में तब्दील किया गया, और ये तब्दीली का प्रोसेस तब से शुरू हो गया जब से कि ह्यूमन बींग सीधे चलना शुरू हुआ। तो मैं होमो सेपियंस से बात कर रही हूँ कि वो घूमता था, चीजों को ऑब्जर्व करता था, फिर उसको लगा कि नहीं मुझे कुछ और करना चाहिए, तो उसने खेती करना शुरू कर दिया। फिर उसने सोचा मुझे कुछ और करना चाहिए, कुछ और करना चाहिए, कुछ और करना चाहिए, और करते 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 हम यहाँ तक पहुंच गए। तो सबसे पहले हम जो कुछ भी कर रहे हैं वो एक टेक्नोलॉजी है, सैटेलाइट टेक्नोलॉजी। जो सैटेलाइट टेक्नोलॉजी है वो किस लिए पॉसिबल हुई? बिकॉज अंतरिक्ष में मनुष्य गया। और जब हम भारत के बारे में बात करते हैं तो नेचुरल है, सबके मन में एक नाम आता है, विक्रम साराभाई, जिनको फादर ऑफ स्पेस प्रोग्राम भी कहते हैं। तो मैं जो हूँ इसको बिग साइंस मानती हूँ, बिग फिजिक्स मानती हूँ, क्योंकि अगर ये नहीं होती तो बहुत सारी चीजें संभव नहीं होती। सैटेलाइट नहीं होता, ऑप्टिकल फाइबर नहीं होता, और आपका मौसम का ज्ञान नहीं होता। तो बेसिकली मैं कुछ लिमिटेड चीजों को लेके आपके साथ चलूंगी, क्योंकि एक घंटे के समय के अंदर हम कितना कर पाते हैं। और फिर मैं आपके साथ एक कलेक्शन ऑफ आर्टिकल्स भी शेयर करूंगी, क्योंकि मेरे को कल शाम को आदेश हुआ था शेफाली जी का, तो मैंने सोचा कि मैं आपसे बात करूंगी। तो मैं कोई पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन आपको अभी नहीं तात्कालिक दे रही हूँ, रादर मैंने सोचा है कि थोड़ी सी मैं स्लाइड्स दिखाऊंगी जो मेरे फील्ड वर्क के ऊपर और आर्काइव्स में काम करने पर बेस्ड है। फिर बाद में ये किताब आपके साथ मैं शेयर कर लूंगी, जो कि आप अपने तरीके से पढ़ के, अपने तरीके से, अपने विषय में जब भी आपको ठीक लगे, आप अपने स्टूडेंट्स के साथ ये इंफॉर्मेशन या इससे जनरेटेड नॉलेज है उसको अपने स्टूडेंट्स के साथ शेयर कीजिए, और उनको प्रेरित कीजिए कि वो जो है जब अपने प्रोजेक्ट्स करते हैं चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम के अंदर, उसको किसी ना किसी रूप में लें। इंग्लिश लिटरेचर से लेके प्योर साइंस तक के लिए जो मैं इश्यू एड्रेस कर रही हूँ वो सही है। आप अगर दूसरी भाषा से हैं तो इसके हिंदी अनुवाद मिल जाते हैं। बहुत सारा लिटरेचर जो है हमें बंगाली लिटरेचर और साउथ की भाषाओं में मिल रहा है। मैंने नॉर्थ इंडिया के जो इंस्टीट्यूट है उनको इसमें नहीं लिया है, भविष्य में कभी आपके साथ इस पर हम बात कर सकते हैं। तो आज जो मैं भी एक छोटा सा पावर पॉइंट आपकी स्क्रीन पे शो कर रही हूँ, और कुछ प्रश्न आपसे सामने रखूंगी, अगर कोई अपनी बात कहना चाहता है उसको देख के तो कहिए, तो आगे के लिए सिलसिला चल जाएगा। ओके, अभी कुछ स्लाइड्स ज्यादा खुली हुई है इसलिए थोड़ा सा इश्यू हो रहा है, कोई बात नहीं है। मैं देखती हूँ कि इसको हम कैसे ले सकते हैं।
हाँ बस अभी हो जाएगा। ओके आप आपकी स्क्रीन पे कुछ लिखा हुआ देख पा रहे हैं? एक जने कोई जवाब दे दीजिए। यस मैम। ओके हाँ मैं अगर प्रश्न पूछूं क्योंकि मैंने उसको बड़ा करके अपने पास खोला हुआ है तो अगर कोई है आपके मन में कोई इच्छा है तो आप अपना अनम्यूट करके प्रश्न पूछ सकते हैं। आप पहली स्लाइड पे देख रहे होंगे टाइटल है मॉडर्न साइंस एंड नेशनलिज्म। तो पहले इन दो शब्दों का मतलब समझ लेते हैं। नवीन विज्ञान के बारे में हम बात कर रहे हैं और हम साथ में राष्ट्रवाद के ऊपर बात कर रहे हैं। ये दो चीजें आई एम नॉट एबल टू सी एनीथिंग ऑन द स्क्रीन। आर यू नॉट एबल टू सी ऑन द स्क्रीन? नो मैम। नथिंग इज आई थिंक नाउ यू कैन सी। दिख रहा है आपको? नहीं दे रहा मैम जी। You should again present the screen. Okay, fine. Now, अभी मैं करती हूँ, एक मिनट आप रुकिए, क्योंकि थोड़ा सा टेक्निकल एरर हो जाता है। अब दिख रहा है आपको? नहीं दिखाई दे रहा मैम जी। नहीं नहीं दिखेगा। मैम, या इट्स अपलोडिंग मैम, इट विल टेक अ फ्यू मिनट्स, सो Let's have wait we'll take some seconds. Ma'am, it's visible. Okay, thank you. आपने लाइन एक लाल रंग में लिखा हुआ है मॉडर्न साइंस एंड नेशनलिज्म। ओके और जैसा मैडम ने बताया कि मैं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी तक इन दो घंटों में जाने का प्रयास करूंगी। ओके तो जो नवीन विज्ञान है जिसको मॉडर्न साइंस लिखा है और नेशनलिज्म, जब हम नवीन विज्ञान की बात कर रहे हैं तो नेचुरल है हम बिग साइंस की बात कर रहे हैं क्योंकि विज्ञान तो हमेशा ही था, है ना, भारत के परिप्रेक्ष्य में बोले या विश्व के परिप्रेक्ष्य में बोले वो शुरू से ही था। जब हम राष्ट्रवाद की बात करते हैं तो पेट्रियोटिज्म तो हमेशा सिंपल सोसाइटीज में रहा है, जब कॉम्प्लेक्स सोसाइटीज बनी है और वो अपने आप को आइडेंटिटी मान के चलते हैं तो नेचुरल है वो राष्ट्रवाद से जुड़ जाता है। तो ये दो कंसेप्ट हैं जो हम देख रहे हैं और हमें देखना इन चीजों को इसलिए जरूरी है क्योंकि हमने जो है 1750 से लेकर 1850 या 1860 के दौरान जो हमारी ऑटोनॉमी थी, जो सोवरेनिटी थी, उसको हमने वेस्टर्न यूरोप के हाथों में खोता हुआ देखा है। तो यहाँ पर मैं जो हूँ कॉलोनियल पीरियड की बात कर रही हूँ और जब कॉलोनियल पीरियड शुरू होता है, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी आती है या ब्रिटिशर्स हम पे कंट्रोल इस्टेब्लिश करते हैं, उससे पहले भी कहीं ना कहीं हमारे जो लार्जर रीजन था वो विदेशियों के हाथ में था, उसको तुर्क और मुगल कंट्रोल में करते हैं। फिर उसके ऊपर आप देखते हैं कि हम जो है कोशिश कर रहे हैं राष्ट्र के निर्माण की जो मोनार्कियल सेटअप के अंदर हो रहा है, लेकिन जो नवीन राष्ट्र है वो तो 1947 या 1950 में पूरा प्रादुर्भाव हो रहा है। तो इसको अगर हम विज्ञान के परिप्रेक्ष्य में देखेंगे तो आप में से कुछ लोग कह सकते हैं मैडम विज्ञान तो हमेशा से ही था और विज्ञान के क्षेत्र में भारतीयों का कंट्रीब्यूशन तो अमूलचूल है ना, आप उसको जो है वर्ल्ड लेवल पे देख सकते हैं, उसकी एक्नॉलेजमेंट भी है। तो बार बार इस चीज को रीअसेट करने की जरूरत क्यों पड़ती है? तो उत्तर आप ही दोगे मेरे को कि मैडम रीसेट इसलिए करना पड़ता है कि जब स्टेट फॉर्मेशन होता है तो चीजों को दोबारा दोहराना पड़ता है। तो चाहे वो आप कौटिल्य के अर्थशास्त्र में दोहराते हुए देखो, वेदों के और जो है दूसरे साहित्य के अंदर आप देखो, आप उसको जो है तुर्की काल के पीरियड में देख रहे हो, मुगल में देख रहे हो, और नॉट ओनली दैट उसको आप 18वीं और 19वीं शताब्दी में देख रहे हो। तो इसीलिए मैंने सोचा कि हम कुछ इंस्टीट्यूशंस के बारे में देखेंगे जो कि कहीं ना कहीं फिजिक्स सब्जेक्ट या बिग साइंस के साथ जुड़ा हुआ हो। आप में से सभी लोग जानते हैं कि इस वक्त इंटरडिसिप्लिनरिटी और मल्टीडिसिप्लिनरिटी के ऊपर बात हो रही है। अभी मुझे कंप्यूटर साइंस के व्यक्ति का साथ मिल जाए, जो प्रोफेसर साहब अपना परिचय दे रहे थे, अगर मुझे उनका साथ मिल जाए और जो मेरे टूल्स हैं इतिहास के सब्जेक्ट के अंदर हम दोनों मिले तो हम जो है ना बहुत बढ़िया तरीके से रिसर्च कर सकते हैं और जो हमने रिसर्च की है उसको हम जो है क्या कर सकते हैं दूसरे लोगों तक पहुंचा सकते हैं। तो जो कंप्यूटर साइंस डिसिप्लिन है
और जो हिस्ट्री डिसिप्लिन है, ये दोनों अगर एक साथ आ जाते हैं तो क्या होता है कि वेरियस फ्रंट पे हिस्ट्री डिसिप्लिन को एक नया आयाम मिल जाता है, बहुत इंटरेस्टिंग हो जाता है, एक्सप्लोरेटरी हो जाता है। इसी तरीके से कंप्यूटर साइंस अगर दूसरे डिसिप्लिन के साथ जुड़ता है, पर्टिकुलरली सोशल साइंसेस के साथ जुड़ता है, तो एक नया आयाम क्रिएट हो जाता है। और इनफैक्ट इस चीज को आप कहाँ पे देख रहे हो, यूट्यूब पे जो अपलोड हो रहे हैं और व्हाट्सएप से जो मैसेज आते हैं, मैं तो ये देखती हूँ कि हर व्यक्ति, चाहे वो सिविल इंजीनियरिंग का हो या मेडिकल का हो, वो फट से नहीं इतिहास में चला जाता है, इतिहास में जाता है, फिर इतिहास की चीजों को वो जो है साइंटिफिक मेथड के साथ फिट करता है और फिर कहता है कि ये तो जो थे भारत के अमूलचूल माइलस्टोन रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट माइलस्टोन रहे, तो इसलिए जो है एक कनेक्टिविटी है, चेंज है, कनेक्टिविटी है और हमारे पास एक लीगेसी है, ये चीज जो है आती है। तो इसलिए मैंने सोचा कि आज हम जो है राष्ट्र निर्माण की बात करेंगे नवीन विज्ञान के माध्यम से, लेकिन उसकी एक रूपरेखा देखेंगे कि वो जो है किस तरीके से 19वीं शताब्दी से लेकर ग्रो हुआ और 1950 तक कौन सी ऐसी इंस्टीट्यूशन रही जो बाद में देश के अंदर इतनी बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूशंस खड़े करते चले गए, जिससे कि भारत जो है एक पावर हाउस के रूप में खड़ा हुआ है। और आगे इसको पावर हाउस के रूप में खड़ा करने के लिए 1986 के बाद 2020 के अंदर एक नई पॉलिसी रखी जाती है। क्यों? क्योंकि हमको जो है आत्मनिर्भर भारत और स्किलफुल इंडिया बनाना है। मैं यहाँ पे एक चीज बहुत क्लियर कह दूं कि आत्मनिर्भरता और जो है स्किल इंडिया, ये कोई नई चीज नहीं है, क्योंकि आत्मनिर्भरता निर्भरता की बात पीछे गांधी जी कहते आए हैं, स्किलफुलनेस की बात जो है हमारे देश के साइंटिस्ट कहते आए हैं, है ना, कौन सा साइंटिस्ट अभी मैं उनका नाम लूंगी, और उससे भी पहले अगर आप मध्यकालीन इतिहास में जाते हैं या प्राचीन इतिहास में जाते हैं, ये चीज हमको लगातार वहां पे मिलती रहती है। अभी मैं आपके सामने दूसरी स्लाइड शो कर रही हूँ, आप स्लाइड नंबर 2 देख पा रहे हैं? यस मैम। हाँ नो मैम। आप देखिए जिसपे लिखा होगा सिचुएटिंग साइंटिफिक एनवायरनमेंट। यस इट इज विजिबल। हाँ तो दो पॉइंट्स मैं आपके सामने रख रही हूँ, और जो पॉइंट्स रख रही हूँ आप प्रश्न पूछ सकते हैं या अपना विचार व्यक्त कर सकते हैं, इसे एग्री कर सकते हैं, इसे डिसएग्री कर सकते हैं। India today, new global order is an emerging entity in terms of growing economy, market size and plural democracy. There has been a discourse whether it can be the world power. मेरे हिसाब से उत्तर yes है, क्योंकि हम लोगों की जनसंख्या बहुत important है और हमारी जनसंख्या इतनी important है कि लोग डर रहे थे COVID period के अंदर, लेकिन हमने अपने discipline और अपने आप को COVID period के अंदर पूरे विश्व के अंदर बहुत स्ट्रॉन्ग रूप से प्रूव किया है, ये सब आप सब मानते हैं। दूसरा एक चीज ये है कि हमारे बीच में एक डायलॉग चलता है जो खुद से और जो कंसर्न्स हैं उनके साथ, कि अगर देश पावर हाउस है ना, तो कैसे है और वो कैसे बनेगा, क्यों बनेगा, और अगर बन गया है तो उसको हम किस तरीके से दूसरी जनरेशन तक पहुंचाएंगे। ये दो पॉइंट्स मैं आपके सामने रख रही हूँ, इस पे आप सोचिए, जब भी आपका मन करे तब आप वक्तव्य खत्म होने से पहले या बीच में हाथ रेस कर अपनी बात रख सकते हैं। अभी हम तीसरे स्लाइड की तरफ जाएंगे, जिसमें भारत के जो प्रधानमंत्री हुए उन्होंने 1936 में एक बात की थी, इट इज अ फ्यूटाइल टास्क टू कंडक्ट कंसीडर द इफ्स एंड पॉसिबिलिटीज ऑफ हिस्ट्री। I feel sure that it was good thing for India to come in contact with the scientific and industrial West. Science was the great gift of the West and India lacked this. And without it, she was doomed to decay. The manner of our contact was unfortunate and yet perhaps only a succession of violent shocks could shake us out of our torpor. They gave us political unity and that was a desirable thing. But whether we had this unity or not, Indian nationalism would have grown and demanded that. यूनिटी इस स्टेटमेंट के बारे में भी सोचिएगा 1936
छत्तीस के और आज के प्रधानमंत्री के स्टेटमेंट्स या आज का जो डिस्कोर्स है उसके बारे में सोचिए, क्योंकि आप सभी लोग डिफरेंट डिसिप्लिन से आते हैं और मैं आपके सामने आज की और पास्ट की दो या तीन स्टेटमेंट्स रख रही हूं। फिर मैं आपके सामने तीन पॉइंट्स और रख रही हूं। द प्री इंडिपेंडेंस पीरियड हैड सीन सेट ऑफ डेवलपमेंट्स अंडर कॉलोनियल रेजिम व्हिच हैज बीन वाइटली यूटिलाइज्ड बाय इंडियन इंटेलेक्चुअल्स। Experiment leads to birth of science and scientific system. Astronomy and astrology are two vital weapons for the development of space science and technologies for the benefits of human beings. Having said so, अगर आप लोगों के मन में कोई विचार है तो प्लीज कहिएगा। कोई कुछ कहना चाहता है इन चार पांच पॉइंट्स को सुनने के बाद? Anybody? मैम, in the second slide, in the first point you mentioned that India can be become largest economy in the world. हाँ, power house, ठीक है. और the number, it can be number one in the world. So, you are talking in terms of economy or in scientific way or in what manners you said this statement? I am speaking in all possible ways on which you can speculate. अगर आप economy पे बात करेंगे तो natural है हम इकोनॉमी में सबसे ऊपर जा सकते हैं, जाने की कोशिश की है ना, क्योंकि अभी yes. आप देखिए अगर वर्ल्ड के अंदर फूड क्राइसिस हो जाए तो आप जो है काफी सॉल्यूशंस दे सकते हैं, ठीक है। अभी अगर वर्ल्ड को लेबर की जरूरत पड़े तो आप लेबर प्रोवाइड कर वर्ल्ड को बचा सकते हैं। ये बात अलग है कि पॉलिसी मेकर्स ने इन चीजों को किया नहीं, ठीक है, फॉर व्हाटसोएवर इंपेडिमेंट्स हैड बीन देयर, बट जस्ट लुक इनटू द पावर सोर्स, ओके, लुक इनटू द जेनेटिक मटेरियल, लिमिटेशंस हैं, तो एक तो जो है आप कर सकते हैं और एक आप कर चुके हैं और एक आप कर रहे हैं, तो पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, ये तीन चीजें आपके पास हैं और जब जरूरत होती है प्रायोरिटी के हिसाब से आप उस चीज को कर लेते हैं। और आपके सामने मैंने कोविड टाइम्स का एग्जाम्पल दिया जिसको कि आपने इतने कलर्स के अंदर देखा है कि उनको शब्दों में बयान करना जो है संभव नहीं, ठीक है, हर इंडिविजुअल के छोटे से बच्चे से लेके अपाहिज तक, दिव्यांग तक की हम बात कर रहे हैं, क्योंकि हम अपाहिज शब्द बोला, दिव्यांग शब्द बोलते हैं एज पर द न्यू लॉ, है ना, इवन उनके पर, तो वो जो स्पिरिट है वो स्पिरिट ऑफ सर्वाइवल है और ये स्पिरिट ऑफ सर्वाइवल हर मनुष्य के अंदर होती है, लेकिन हम क्योंकि भारत की चर्चा कर रहे हैं इसलिए जो है आइडेंटिटी का इश्यू आ जाता है और हम नेशनलिज्म की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो मेरे ख्याल से थोड़े कम समय में मैंने कम शब्दों में आप तक वो बात पहुंचाने की कोशिश की जो हमेशा आपके जहन में रही है और आपके और मेरे जहन में ही नहीं, एक छोटे से बच्चे के जहन में भी रहती है। और ये भी हम मानते हैं कि जो है साइंस और टेक्नोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, उसको ग्रहण कर लिया गया, जो कि नेहरू कह रहे हैं कि अगर हम नहीं ग्रहण करते तो जो है शायद हम बहुत पीछे रह जाते, ओके। और नरेंद्र मोदी जी कह रहे थे जब 25 मार्च को कि अगर जो है अभी हम अपने घर में नहीं बैठे तो हम 25 साल पीछे चले जाएंगे, तो वो ये चीज क्यों कह रहे थे, आप इस चीज को समझिए, वो ये इसलिए कह रहे थे कि जितनी उन्नति प्रयासों के द्वारा, एक्सपेरिमेंट्स के द्वारा मनुष्य ने भारत के धरती क्षेत्र के अंदर की है, हाँ हम जो है अपनी लाइफ को लॉस कर देंगे और एक जीवन जो है जो 25 साल या 30 साल पढ़ाई करके जब सोसाइटी को देने के लिए तैयार होता है ना, अगर वो जीवन चले गए तो कंट्रीब्यूट कौन करेगा, ओके। तो वो प्रेजेंट जनरेशन की बात कर रहे थे, मैं जो हूँ पास्ट जनरेशन की बात कर रही हूँ जो कि हड़प्पन सभ्यता के समय से
या उससे पहले जो सभ्यताएं हैं जो कि इस वक्त आपको सैटेलाइट इमेजेस के थ्रू कंफर्म हो रही हैं, जो कि हमारी श्रुति और स्मृति के द्वारा इतिहास की हेरिटेज के रूप में अभी तक मानी जा रही थी, उसका एक साइंटिफिक बेस मिल रहा है। लेकिन जब हम 19वीं शताब्दी के अंदर आते हैं तो ये बेस जो है हमको जो है कॉन्क्रीट रूप में दिखने लगता है। और उसकी भी एक लीगेसी है, क्योंकि मैंने जो स्लाइड आपको दिखाई थी उसमें दो डिसिप्लिन की बात की थी, एक एस्ट्रोनॉमी और एक एस्ट्रोलॉजी। ठीक है, जो एस्ट्रोलॉजी है वो आपको भविष्य के बारे में बताती है, कितना सही होता है कितना गलत है उसकी बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन एस्ट्रोलॉजी जो है उसके अंदर जो एस्ट्रोलॉजर है या एस्ट्रोलॉजी जो प्रैक्टिस करता है साइंस समझ के, वो क्या कहता है कि जो है भविष्य में आपका भविष्य ऐसा है। क्योंकि हम जाकर एस्ट्रोलॉजर से कहते हैं भाई हमारी पत्री देख लो, है ना, और हमारा भविष्य बता दो। पत्री तो पास्ट की होती है, ठीक है, और जानना हम भविष्य चाहते हैं, और हम भविष्य जो जान रहे हैं वो प्रेजेंट में जान रहे हैं। तो क्या एक डायलॉग है पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर का। ठीक है, अब एस्ट्रोलॉजी किसके ऊपर खड़ी हुई है? एस्ट्रोलॉजी आपकी बहुत ही साइंटिफिक डिसिप्लिन, जिसका जो है निचोड़ जो है कहां से निकल रहा है, हमारे प्राचीन भूतकाल से निकल रहा है, वो है एस्ट्रोनॉमी। अब एस्ट्रोनॉमी आप कैसे प्रैक्टिस करते हैं? आकाश में देखकर एस्ट्रोनॉमी करते हैं, तारों की स्थिति दिखा के करते हैं, जो आपके ग्रह हैं उनकी चाल के ऊपर करते हैं। ठीक है, और ये जो साइंस है वो इमेंस है। ओके, और यही साइंस जो है वो आपको किसके बारे में बताती है? वातावरण के बारे में बताती है। आज दिल्ली के अंदर सुबह सुबह बारिश हुई, ठंडी बढ़ जाएगी, शीतलहर, है ना, आपका इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट कह देता है। आपका इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट कहता है कि इस तरीके का एक जो है साइक्लोन आएगा, ये तूफान आ जाएगा। अब आप ये सोचो, ये प्रेडिक्शंस हो रहे हैं। एक तरफ आपकी एस्ट्रोलॉजी प्रेडिक्शन कर रही है, जो कि आपका इंडिविजुअल, समाज, देश, विश्व के बारे में कर रही है, और एक आपकी साइंस है जो वातावरण के बारे में कर रही है। और उस सब में कौन रोल अदा कर रहा है? मनुष्य रोल अदा कर रहा है, और वो जो है पास्ट के द्वारा, है ना, पास्ट के अनुभवों के द्वारा प्रेजेंट से फ्यूचर को प्रिडिक्ट करने की कोशिश कर रहा है। और ये करने के लिए हम लोग अथक प्रयास कर रहे हैं अपने अपने लेवल के ऊपर। अभी हम सब बैठे हुए हैं, हम तो बहुत छोटे छोटे हैं, ठीक है, लेकिन बड़े बड़ों में अगर आप देखो भाई, इधर एक रविन्द्रनाथ टैगोर मिल जाते हैं, जो सोशल साइंटिस्ट भी है, साइंटिस्ट भी है, सीवी रमन का नाम भी जानते हैं हम, पिछरौती साहब का नाम जानते हैं, और ऐसे अनगिनत नाम है जिनके बारे में जानते हैं। अगर आप अपनी इंस्टीट्यूट ही ले लो, और आपके यहाँ जो है चाहे साइंस का डिपार्टमेंट है, चाहे आर्ट्स का डिपार्टमेंट है, चाहे कॉमर्स का डिपार्टमेंट है, आप, मैं आपसे कहूँ ना, पांच अपने यहाँ के पुराने प्रोफेसर्स का नाम बता दो जिन्होंने जो है नेशनली इंटरनेशनली कंट्रीब्यूट है, तो आप कहोगे मैडम हम पांच नहीं बताते, आपको 50 बताते हैं। तो आप सोच लो कि अगर अपन यहाँ पे 31 लोग बैठे हुए हैं, है ना, और हमने 10 भी बताए, तो 310 नाम तो हमने बता दिए जिन्होंने जो है अपने कार्य क्षेत्र के अंदर, अपने एफर्ट्स के द्वारा, अपने रिसर्च के द्वारा मेजर कंट्रीब्यूशन किया है, और उनके द्वारा किया हुआ कंट्रीब्यूशन किसी ना किसी रूप में प्रोडक्ट के अंदर तब्दील हो गया है। और जब वो ये चीज कर रहे हैं तो वो अपने लिए कर रहे हैं, अपने समाज के लिए कर रहे हैं, अपने राष्ट्र के लिए कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जिसको हम कहते हैं ना डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट, प्रोक्यूरिंग फैसिलिटी, डिसेमिनेटिंग फैसिलिटी, ये जो है सभ्यता के साथ हो रहा है। और हम सब टीचर्स हैं, ठीक है, फर्क नहीं पड़ता है कि हम गांव के कॉलेज में पढ़ा रहे हैं या शहर के कॉलेज में पढ़ा रहे हैं। ठीक है, जो गांव का कॉलेज वाला व्यक्ति है, जो उसकी एक्सपीरियंस है, है ना, अगर वो उसको एक जर्नल में पब्लिकेशन के माध्यम से भेज सकता है तो वो इंटरनेशनली एक्नॉलेज हो जाता है। और इनफैक्ट लेट 19th सेंचुरी के अंदर ये सिचुएशन आई थी, तो मैं इसके ऊपर भी आपसे बात करूंगी। तो सबसे पहले मैं आपको फिर से कुछ इमेजेस दिखाऊंगी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में। ये जो है क्या चीज है, सबको पता है कि दिल्ली के अंदर जंतर मंतर है, जयपुर में सबको पता है जंतर मंतर है, ग्वालियर में जंतर मंतर है, और मथुरा में जंतर मंतर है। ठीक है, तो ये जो जंतर मंतर है एक लंबी सी दीवार होगी ऊंचाई से, आप उस पर जाके चढ़ जाओगे, फिर वहां से ऊंचाई से देखोगे, और फिर उसके बाद आप कहोगे कि जो है ये परिस्थिति उत्पन्न हो रही है, और ऐसा लोगों ने किया।
और यहीं से आपका इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट निकल के आया। पहले जंतर मंतर बने, जब ब्रिटिशर्स आए तो उन्होंने इन चीजों को समझा और उन्होंने लार्ज साइज सर्वेस किए और फिर उन्होंने सर्वेयर बनाया। तो जो सर्वे एस्टेब्लिश हुए उनका मैं क्विकली नाम बोलूंगी स्लाइड दिखाने के बाद, वो मैं स्लाइड पे नहीं दिखाऊंगी, जस्ट टू गिव यू एन आइडिया। और फिर मैं आपके साथ एक 400 पेज की सेट ऑफ आर्टिकल्स शेयर करूंगी, वो आपके इंटरेस्ट के हिसाब से पढ़िएगा जरूर। अभी आप देख पा रहे हैं कुछ? आप लोग देख पा रहे हैं? यस मैम, यस मैम, यस मैम। देखो ये 1792 से लेके 1792 से लेके 1931 के बीच की कुछ मेरे पास पुरानी फोटो हैं, वो मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। ये मद्रास या चेन्नई के अंदर है, इसको मद्रास ऑब्जर्वेटरी कहते हैं। 1792 में आई, आपको भी पता है अगर कोई इतिहास का रुचि रखने वाला व्यक्ति है तो आपको पता है कि पहले कलकत्ता में आए अंग्रेज, फिर उन्होंने अपने को मद्रास में किया, फिर उसके बाद उन्होंने बॉम्बे किया। तो कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे इनके जो थे कॉलोनियल टाउन्स थे, जो कि तीन प्रेसिडेंसी टाउन्स की कैपिटल रही। फिर 1911 में जो है वो दिल्ली के अंदर आ गए, दिल्ली में रईसीना हिल के ऊपर जो है उन्होंने सब तमाम चीजें बनाई, और जो चीजें एग्जिस्ट कर रही थी पुराने रूलर्स के द्वारा बनाई हुई उनका प्रयोग भी उन्होंने जरूरत के हिसाब से किया, और 1947 में वो दिल्ली भी छोड़ के चले गए। तो मैं आपके सामने चेन्नई की कुछ ऑब्जर्वेटरी दिखा रही हूँ, ओके। और 1827 में तो कैसे चेन्नई लेबोरेटरी के अंदर लोग बैठ के काम करते थे, ये भी एक आर्काइव से निकाली हुई फोटो है ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के जो मॉन्यूमेंट्स हैं 1, 2, 3, 4, 5 है ना, उनके बारे में भी आपको बताया गया कि ये पिलर्स हैं। तो बेसिकली क्या है कि ये वो जगह थी जिन पे खड़े होकर जिनके मदद से आप जो थे बहुत सारा ज्ञान अर्जन करते थे टेम्परेचर के बारे में, एनवायरमेंट के बारे में, भविष्य में होने वाली घटनाओं के बारे में, और फ्यूचर रिसर्च के लिए कुछ बात करते थे। अब इसी तरीके से दूसरे शहर की मैं आपको दिखा रही हूँ, आप ये देखिए बॉम्बे की दिखा रही है, कोलाबा की, समुद्र के किनारे मद्रास भी है, समुद्र के किनारे बॉम्बे भी है। ये कोलाबा की ऑब्जर्वेटरी है 1823 से 1826, और जो आज की तारीख में क्या कहा जाता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ जियो मैग्नेटिज्म। आप सबको पता है कि अपने आजाद साहब कलाम साहब थे वो मिसाइल मैन कहे जाते हैं, ठीक है, क्योंकि उन्हीं के टाइम पे ASLV से काम शुरू होके PSLV और GSLV में गया, और आज आप देख रहे हो कि इसरो रोज कुछ ना कुछ आकाश में स्थापित कर रहा है, और धीरे 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 जो है हमारी जो है ताकत बढ़ती जा रही है। ताकत कैसे बढ़ रही है, अगर एग्रीकल्चर है, एनवायरनमेंट है, आपका मौसम जानना है तो आपको पता लग जाता है, बॉर्डर पे सुरक्षा करनी है तो आपको पता लग जाता है, ठीक है, आपको कहीं से कोई इंफॉर्मेशन पहुंचानी है तो पता लग जाता है। ये तीन चीजें जो है मैं अभी आपके सामने रख रही हूँ, अन्यथा तो बहुत सारी चीजें रखी जा सकती हैं। अब ये आप देखिए, ये भी बंबई में है, अलीबाग मैग्नेटिक ऑब्जर्वेटरी। अब शब्द मैग्नेट आ रहा है, इसका मैग्नेट का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं जहां पे ये लोकेटेड है ना, वहां से जो चीज देखी जा रही है, और आप अपर एटमॉस्फेयर की स्टडी कर पा रहे हो, और अपर एटमॉस्फेयर की स्टडी करने के बाद आप उसके पार जाकर जो फोटोज खींच रहे हो, जो नॉलेज एक्वायर कर रहे हो, है ना, उससे आप सोसाइटी को जो है फैसिलिटीज, सोसाइटीज को रेस्पाइट, सोसाइटी को सॉल्यूशन दिला रहे हो, और ये चीजें जो है आपके विभिन्न किस्म के साइंटिस्ट ने की है। अभी आप ये देखिए कलकत्ता की 1877 की अलीपुर है, और इनफैक्ट यही जो था सर्वे ऑफ इंडिया ऑफिस बिल्डिंग बना ब्रिटिशर्स के लिए, जिन्होंने यहाँ से बैठकर
मॉडर्न मैप्स तैयार किए। आज आप जो है सैटेलाइट के थ्रू जीपीएस के थ्रू यूज करके कहीं से कहीं पहुंच जाते हो, किसी से पूछने की जरूरत नहीं होती है, नदी नाले साफ करते चले जाते हो, सड़क पर चलते चले जाते हो, वो आपको जीपीएस के ऊपर बताते चले जाते हैं कि इस दिशा में जाओ, इस दिशा में जाओ, और आप अपने गंतव्य तक पहुंच जाते हो, है ना। सॉफ्टवेयर डेवलप हुए, मैंने इसीलिए जानबूझ के कंप्यूटर वाले सर हैं जो उनके डिसिप्लिन को अपने डिसिप्लिन के साथ जोड़ने की बात की है, क्योंकि कंप्यूटेशन नहीं होगा तो जो रिजल्ट हमने पास से इकट्ठे किए हैं उसकी एनालिसिस नहीं हो सकती। एक विषय दूसरे विषय का पूरक है, और इनफैक्ट ये चीज का एहसास हमारे प्राचीन काल में, मध्य काल में सबको था, लेकिन जो मॉडर्न एजुकेशन शुरू हुआ है ना, उसमें हमने पहले बेसिक लेवल पे काम किया, फिर हमने अप्लाइड लेवल पे काम किया, और विभिन्न प्रकार की इंस्टीट्यूशंस क्रिएट किए, डिपार्टमेंट क्रिएट किए, जो कि आज हमें जो है एक एक स्टेज पे लाके खड़ा करता है और कहता है कि भविष्य में आपके सामने जो चैलेंजेस आने वाले हैं उनका सॉल्यूशन जो है हाथ मिलाकर चलने में है, अलग अलग दिशाओं में चलने से नहीं होगा। और शायद यही बात नेहरू जी 1936 में अपने एक स्टेटमेंट के द्वारा कहने का प्रयास कर रहे थे, और आपके अभी जो प्रधानमंत्री हैं वो भी जो थे 25 मार्च को जब लॉकडाउन की घोषणा कर रहे थे तब भी यही चीज कह रहे थे। तो बेसिकली देश के लिए, विश्व के लिए, मानवता के लिए एक चैलेंज रहता है, वो चैलेंज है जो नेचर से आता है, वो चैलेंज है जो सर्वाइवल के लिए है, और यही जो है साइंटिफिक रिसर्च के थ्रू ह्यूमन ने बहुत ही ऑर्गेनाइज वे में अध्ययन और अध्यापन करके जो है एक जगह से दूसरे स्थान पर फैलाया है। मैं इसके बाद दूसरी स्लाइड पे जा रही हूँ। अब ये त्रिवेंद्रम की ऑब्जर्वेटरी है 1837 में, ऑब्जर्वेटरी का स्ट्रक्चर भी आर्काइव से निकाल के दिखाया है, प्रेजेंटली ये कैसे लगती है और उस वक्त ये ज्योति कहाँ पे थी। आप ये देखिए खिल के ऊपर है, ये पेंसिल स्केच है, ये फोटो नहीं है, है ना। तो ये भी है, और ये जो है डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स यूनिवर्सिटी ऑफ केरला का हिस्सा रहा, और जब विक्रम साराभाई जो थे जगह को ढूंढ रहे थे, क्योंकि जो थुम्बा है जहां से रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन है, और जो है बाद में सहार स्टेशन बना, क्योंकि जब विक्रम साराभाई नहीं रहे और उनके बाद जिन लोगों ने टेक ओवर किया उनके नाम पे करंटली ये लोकेटेड है, क्योंकि हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं, एक नाम दे देते हैं एक व्यक्ति ने जो जिसने उसमें कंट्रीब्यूट किया है, लेकिन उसके प्रेजेंट सिचुएशन में धवन साहब का नाम ले रही हूँ जिनकी अभी 100वीं वर्षगांठ चल रही है। पिछले साल हमने विक्रम साराभाई जी की 100वीं वर्षगांठ का समय पूरा किया था, लेकिन उससे पहले हमारे जो प्रिंसली स्टेट रूलर्स थे उन्होंने जब वेस्टर्न साइंस यहाँ पे आने लगी तो उन्होंने एक बार भी झिझक नहीं दिखाई, और उन्होंने ये सोचा कि इनके द्वारा जो ज्ञान आ रहा है अगर हमने इसको अभी अपने स्टेट के अंदर लागू नहीं किया तो शायद कहीं हमारे सब्जेक्ट्स हैं वो इससे वंचित रह जाएं। क्रिटिसिज्म बहुत हुआ है इतिहास के अंदर कि प्रिंसली स्टेट रूलर्स ने ट्रीटी साइन कर दी, वो उनके गुलाम हो गए थे। इस सब के बाद भी अगर आप इंडिविजुअल लेवल पे एक उस वक्त का जो रूलर है उसकी पर्सनैलिटी को असेस करो, उसकी डेलिबरेशंस को देखो, उसने अपने एरिया के अंदर अपने सब्जेक्ट्स के लिए क्या सोच के कौन सी चीज को लाने का प्रयास किया, ये उसका जीवंत उदाहरण है। क्योंकि जो त्रिवेंद्रम है, जो आपका तिरुवनंतपुरम है, वहां के महाराजा ने इतना बड़ा योगदान दिया कि आपके सामने इंडियन इंस्टीट्यूट फॉर साइंस बेंगलोर खड़ा हो गया। हम उसके अंदर भी जाएंगे, क्योंकि क्या होता है कि हम लोग अपना विषय पढ़ाने में इतने ज्यादा मशगूल हो जाते हैं कि हम ये देखते ही नहीं है कि जो संस्था बनी है वो किसके फाइनेंस के द्वारा बनी है, किसके इंटरवेंशन से बनी है। ठीक है, हम क्या देखते हैं कि वहां पे पढ़ाने वाला कौन है, ओके, और वहां पे पढ़ने वाला कौन है, वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है। इंफ्रास्ट्रक्चर वो व्यक्ति देखता है जो सोचता है कि मेरे पास पैसा है, मेरे बच्चे को ज्यादा सुविधा मिलनी चाहिए। लेकिन जो मीडियम होता है वो सोचता है कि वहां पर टीचर कैसा है और वहां से वो सीख के क्या निकलेगा। लेकिन उसके ऊपर एक और इम्पोर्टेंट बात हो जाती है कि कौन उस परंपरा को खड़ा कर रहा है, और हमको यही देखना है, क्योंकि यहीं से जो है राष्ट्रवाद का निर्माण होता है। हम फिर एक और आगे जा रहे हैं।
अब आप ये देखिए कि पूना के अंदर 1928 में इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, एक पुरानी फोटो भी मैंने आपके सामने रखी है, एक नई फोटो भी रखी है, एक मैंने वहां पर जो प्लेट है मेटल की वो भी रखी है, और उस वक्त इस्तेमाल होने वाले कुछ इंस्ट्रूमेंट्स को भी आपको दिखाने का प्रयास किया है। तो अगर ये मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट नहीं होता तो जो है आपको आपके आसपास जो वातावरण है उसके बारे में पता नहीं लगता, वातावरण के बारे में पता नहीं लगता तो जो है आप जो है स्पेस में जाने के बारे में भी नहीं सोच सकते, क्योंकि अगर आपको वातावरण पता होगा तभी तो आप जो है ना अपनी कार या एयरक्राफ्ट या जो है जेट या जो है मिसाइल बनाओगे, तभी तो आप बाहर जाओगे। आपने सीधे से भी रिसेंटली देखा था जब विक्रम लैंडर लैंड किया था, सॉफ्ट लैंडिंग नहीं हुई और इनफैक्ट वो हम कहीं असफल हो गए, लेकिन मंगलयान पिक्चर तो सबने देखी होगी, आपने देखी थी मंगल मिशन वाली, वहां पे हम जो है इंडिजिनस टेक्नोलॉजी से सक्सेसफुल हो गए थे। कैसे हो गए? ये कोई यात्रा छोटी थी, ये यात्रा तो जो है 1949 में जो थी फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी के अहमदाबाद में बनने के साथ शुरू हो गई थी। लेकिन फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी कहाँ से आई? ये कहाँ से आई? अगर आपकी जो है सर्वेयर के ऑफिस नहीं होते, सर्वेयर के ऑफिस क्यों बने? क्योंकि आपके यहाँ जो थे ऑब्जर्वेटरीज थी, जंतर मंतर थे, और जहां पर बैठकर आपके मध्यकाल और प्राचीन काल के इंटेलेक्चुअल्स थे, जिनको आप वैज्ञानिक होने की संज्ञा दे सकते हैं, वो निरंतर कार्यरत थे। तो एक ने एक चीज ढूंढी, दूसरे ने दूसरी चीज ढूंढी, तीसरे ने तीसरी चीज ढूंढी, फिर एक व्यक्ति आया, उसने जो उन चीजों को मिलाकर एक बात कहने की कोशिश की, वो आपकी उस डिसिप्लिन की थ्योरी हो गई। तो अगर हम फिजिक्स डिसिप्लिन को शुरू करें तो हम तो फिर गौतम ऋषि से शुरू हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने जो था परमाणुवाद की बात शुरू कर दी थी, अणुवाद की बात शुरू कर दी थी। तो आप ये सोचिए, प्राचीन काल में कंसेप्ट था, उस कंसेप्ट को लेबोरेटरी के अंदर एक्सपेरिमेंट्स के द्वारा, एक्सपीरियंस के द्वारा लाने में हम कितने साल लग गए। आज हम 2020 में चल रहे हैं, वेल डॉक्यूमेंटेड चीजें हैं देश के अंदर, विदेश के अंदर, और हम कह सकते हैं कि हाँ, एक्सपेरिमेंट करते 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 हमने अपनी एक आइडेंटिटी बनाई है ज्योग्राफिकल रीजन के लिए, और यहाँ पर हम कह सकते हैं मॉडर्न साइंस और नेशनलिज्म दोनों जो है हमारी ताकत के रूप में खड़े हुए हैं। अभी आप कुछ और इंस्ट्रूमेंट्स देख लीजिए, क्योंकि ये मैं पुणे में काम कर रही थी अपने प्रोजेक्ट फेलो के साथ, तो कुछ इंस्ट्रूमेंट्स आपके साथ रखे, जबकि आप देखो ये इंस्ट्रूमेंट कितने कितने जो है मौलिक रूप के हैं। और आज आप ये देखो, जब कोविड का आ गया आपके पास, हमने तो ऐसा इंफ्रारेड थर्मामीटर पहले नहीं देखा था कि माथे के ऊपर रख के टेम्परेचर देखा जा रहा है। हमें तो उस थर्मामीटर के बारे में पता था कि जो मुंह में लगा के हमारा टेम्परेचर कर लेता था। अब आप जस्ट एक थर्मामीटर की मैं आपको नॉलेज दे रही हूँ, क्योंकि जो थर्मामीटर आप देख रहे हो वो जो है इतने तरीके के थर्मामीटर है जो आपको जो है ऊपर के क्षेत्र के बारे में नॉलेज दे रहे हैं। क्योंकि जब हम फिजिक्स और बिग साइंस की बात करते हैं, फिजिक्स क्या है? जो आपका इंस्ट्रूमेंट तैयार करता है, और उस इंस्ट्रूमेंट की स्टडी जो है आपको दूसरी चीजों का ज्ञान देती है। खाली फिजिक्स नहीं, केमिस्ट्री भी है, जूलॉजी भी है, बॉटनी भी है, जियोलॉजी भी है, ज्योग्राफी भी है, ये साथ के साथ चलते हैं, ऑब्जर्वेशन, क्योंकि आप अपर एटमोस्फियर जो है उसको इन डिसिप्लिन की नॉलेज के बगैर नहीं कर सकते हो, और ये सब समाहित होते हैं। लेकिन क्या है कि अलग अलग व्यक्ति कर रहे हैं, इनको एक जगह पे लाने के लिए इन चीजों का सर्वे करना पड़ता है। और ये भी आप दिल्ली के अंदर देखते हो, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट का हेडक्वार्टर है। मैंने ये स्ट्रक्चर्स आपको इसलिए दिखाए फॉर द सिंपल रीजन कि एक आपके दिमाग में इमेज आ जाए कि इंडिविजुअल जो कार्य करता है वो एक स्थान पर कार्य करता है, और वो इस स्थान पर अपनी लीगेसी छोड़ के जाता है, और जो बिल्डिंग होती है, जो मॉन्यूमेंट है, वो जो है सिंबल होता है। इसलिए आपको ताजमहल भी दिखाई पड़ता है, रेड फोर्ट भी दिखाई पड़ता है, और राष्ट्रपति भवन भी दिखाई देता है, और पार्लियामेंट भी दिखाई देती है। ठीक है, अब जब हम नेशनलिज्म की बात कर रहे हैं तो आज की नवीन सरकार, आप प्रश्न कर सकते हो कि क्या जरूरत थी इस चीज की। ठीक है, लेकिन क्या है, वो ऐतिहासिक प्रासंगिकता की वजह से
जो है कर रहे हैं, क्योंकि जो स्टेट का निर्माण हो रहा है वो सोसाइटी के द्वारा हो रहा है और सोसाइटी जो है अपनी एक नई पहचान बना रही है। क्या जरूरत थी तुर्क और मंगोल आए कि वो जो है पुराने स्ट्रक्चर्स को तोड़ दे, क्योंकि उनको जो था भविष्य के लिए है ना, भविष्य में अपने लिए जगह सुरक्षित करनी थी, क्योंकि उनको पता था कि मानव जो शरीर है वो खत्म हो जाने वाला है, तो वो स्ट्रक्चर्स बनाते चले गए। तो ये जो बिल्डिंग्स होती हैं, स्ट्रक्चर्स नहीं होते हैं, ये जो है मेंटेलिटीज होती हैं। तो हमको ये चीज भी जो है समझनी है। इसलिए जब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 आई, जिसके बारे में हम विस्तार से बात करेंगे, मैं पॉइंट्स को लेकर नहीं बात करूंगी, उसकी एनालिसिस करूंगी और फिर देखूंगी कि आप जो है मेरे प्रश्न को, जो प्रश्न मैं अपने आप से पूछ रही हूँ, क्या आप उस प्रश्न को आगे बढ़ाने वाले हैं, है ना, या आप उस प्रश्न पे एक और प्रश्न दागने वाले हैं और ये कहेंगे कि नहीं आपकी सोच जो है ना वो सही दिशा में नहीं जा रही है, रादर इस पॉइंट को हमें इस तरीके से देखना चाहिए। मेरा आपसे ये योगदान जरूर रहेगा, क्योंकि ये फैकल्टी इंडक्शन प्रोग्राम है और यहाँ पर हमें अपनी मेंटल फैकल्टीज को बढ़ाना है, सोचना है, क्योंकि अगर हमारा मेंटल फैकल्टी बढ़ जाता है तो आप जो रिसर्च करेंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एनईपी के अंदर हायर एजुकेशन में जो बैचलर्स प्रोग्राम आपको आगे लेके जाना है या एक साल की मास्टर्स डिग्री आपको लेके जानी है, उसके लिए आपको ऐसे दिमाग तैयार करने पड़ेंगे जो कि इनोवेटिव तरीके से है ना एटलीस्ट भारत के लिए, भारत की जरूरतों के लिए सॉल्यूशंस निकाले। मैं कल मन की बात सुन रही थी नरेंद्र मोदी जी की, है ना, मैं नरेंद्र मोदी जी का नाम ले रही हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं उनको बहुत पसंद करती हूँ, ओके, मैं जो हूँ जितने पूर्व में लीडर्स रहे हैं सबका बायोग्राफिकल स्केच पढ़ के पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर के लिए एक डायलॉग करना पसंद करती हूँ। वो मेरे अपने खुद के प्रश्न है और इतिहास का विद्यार्थी और इतिहास का टीचर होने के साथ ये प्रश्न जो है हमेशा अपने स्टूडेंट्स के सामने रखती हूँ, क्योंकि हिस्ट्री जो है ना बिगर क्वेश्चन के चलती नहीं है। इतिहास के अंदर अगर आपने प्रश्न नहीं किए, प्रश्न जो है इतिहास की आत्मा होती है और मेरे ख्याल से इन्वेस्टिगेशन एंक्वायरी हर डिसिप्लिन की आत्मा होती है। अगर हम इस चीज के अंदर इन्वॉल्व नहीं होंगे तो हमारा जो डिसिप्लिन है उसकी ग्रोथ कहीं ना कहीं रुक जाएगी। ये लिटरेचर के ऊपर भी लागू होता है, साहित्य, चाहे वो इंग्लिश साहित्य हो चाहे वो जो है हिंदी साहित्य हो, दोनों में से भी कोई साहित्य, इवन ये चीज कॉमर्स के ऊपर भी लागू होती है, ठीक है, हम उसके अंदर भी इंगेज कर सकते हैं अगर कोई कॉमर्स का टीचर है, क्योंकि मैं यहाँ पर जो हूँ हर डिसिप्लिन के व्यक्ति के साथ इंडिविजुअल लेवल पे डिस्कोर्स में जाना चाहती हूँ, केवल यहाँ तक सीमित नहीं है, आप बाद में भी जो है मेरे साथ जुड़े रह सकते हैं, हम किसी और टॉपिक पे मेरी यूनिवर्सिटी और आपके कॉलेज के साथ मिलकर वेबिनार भी कर सकते हैं आपके स्टूडेंट्स के साथ शामिल होके। लेकिन एक मूल चीज जो मैं कहना चाहती हूँ, हर चीज का इतिहास होता है, उस इतिहास को जानना चाहिए, उस इतिहास में जो प्रश्न पूछे गए हैं उन प्रश्नों को आपके प्रेजेंट और फ्यूचर के साथ कनेक्ट कर लगातार देखते रहना चाहिए। तो इस ये चीज मैंने आपको बता दी। अभी मैं एक पीडीएफ डॉक्यूमेंट से कुछ चीजें आपको पढ़ रही हूँ, देखती हूँ कि मैं आपको स्क्रीन पे दिखा पाती हूँ कि नहीं। आपके सामने मैं एक पीडीएफ डॉक्यूमेंट रख रही हूँ जिसमें टाइटल है, ये मैं आपको दूंगी, प्रोफेसर दीपक कुमार का, ये भी जो थे शुरू में अपने हरियाणा कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से जुड़े हुए थे, फिर बाद में ये जो थे जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय दिल्ली चले गए, तो इन्होंने एक चैप्टर कंट्रीब्यूट किया है जो डॉक्यूमेंट मैं आपके साथ शेयर करूंगी, साइंटिफिक सर्वेज इन ब्रिटिश इंडिया 1760 से लेके 1900, और इस आर्टिकल के अंदर वो बता रहे हैं कि ये सर्वे क्यों जरूरी थे। ये सर्वे अगर नहीं करे होते इन्होंने तो ये जो थे भारत के ऊपर अपना वर्चस्व स्थापित नहीं कर सकते थे, ठीक है, क्योंकि ट्रेडर के तौर पे आए, पॉलिटिकल अथॉरिटी कुछ बैटल्स के थ्रू उन्होंने पाली, लेकिन आप जो है यहाँ के रिसोर्सेस को कंट्रोल कैसे करोगे, अरे आपको जानकारी होगी तभी तो आप कंट्रोल करोगे, और उन्होंने इसकी जानकारी करने के लिए बहुत बड़ी फौज इकट्ठी कर ली,
फौज किसकी खट्टी की, इन्होंने 10 से 12 साल के बच्चों को बुला लिया उन्होंने यूके से, और उनको जो है जो हमारे यहाँ बुजुर्ग लोग थे है ना, उन एक व्यक्ति को उस एरिया के लिए लेके उनके साथ भेज दिया। आज तक नहीं पता कि वो व्यक्ति कहाँ चला गया जिसने इनको सारी इंफॉर्मेशन दी थी, और इन्होंने अपने लोगों को ट्रेन करके वापस भेज दिया, वेस्टर्न यूरोप के दूसरे हिस्सों में भेज दिया, और उसके बाद इन्होंने रिपोर्ट्स तैयार की। ठीक है, अब जो चीज हमारी स्मृति के अंदर थी, जो चीज हम अपने अभ्यास के द्वारा जानते थे, जिसका हमने लिखित रूप से कुछ नहीं रखा, या जो मैनुस्क्रिप्ट थी 1947 में जाते वक्त ही अपने साथ ले गए है ना, और अपने साथ इन्होंने ये चीजें करके इंस्टीट्यूशंस बनानी शुरू कर दी, रिसोर्सेस को एक्सप्लॉइट करना शुरू कर दिया, रिसोर्सेस को इंडिया से बाहर भेजना शुरू कर दिया। तो अगर आप इस आर्टिकल को पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि जितना वेस्टर्न कॉलोनाइजर था, चाहे पोर्चुगीज था, चाहे फ्रेंच था, चाहे इंग्लिश था, चाहे स्पेनिश था, चाहे बाद में जर्मन और इटालियन आया, इन्होंने बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से अपनी कॉलोनी का सर्वे किया। उसमें बॉटनिकल एक्सप्लोरेशन थे, जियोलॉजिकल एक्सप्लोरेशन थे, जियोलॉजिकल एक्सप्लोरेशन थे, और दूसरे किस्म के एग्रीकल्चरल एक्सप्लोरेशन थे, सब किए, और उसके बाद इन्होंने डॉक्यूमेंट्स तैयार किए, जो डॉक्यूमेंट्स इतिहास का विद्यार्थी होने के साथ हम प्राइमरी सोर्स मटेरियल की तरह इस्तेमाल करते हैं। और इनफैक्ट इसका एक फायदा यह हुआ कि उन्होंने कर दिया तो हमारे पास ये इंफॉर्मेशन है, अगर वो नहीं करते तो शायद इस तरीके की इंफॉर्मेशन हमारे पास नहीं होती। पर एक चीज समझ लीजिए कि ये जो इंफॉर्मेशन है वो अंग्रेजी में है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि इस तरीके की इंफॉर्मेशन हमारे पास नहीं है। इस तरीके की इंफॉर्मेशन रीजनल लैंग्वेज में उस रीजन के अंदर वहां की मैन्युस्क्रिप्ट के अंदर किसी ना किसी रूप में है, और वो इंफॉर्मेशन एक कम्युनिटी से दूसरी कम्युनिटी के अंदर मीन्स फादर से सन के थ्रू या मदर के द्वारा डॉटर के थ्रू एक स्टेज से दूसरी स्टेज तक नॉलेज सिस्टम्स के अंदर जाती रही है। जो आर्टिकल दीपक कुमार का मैं आपके सामने रख रही हूँ वो बेसिकली आपको समझाएगा कि जो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया या लेटर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया बन के आया वो जो था ब्रिटिशर्स का एक प्रयास था। उसमें उन्होंने अपने आप को बेनिफिट किया, लोकल सोर्सेस जो लोकल लोग थे उनसे इंफॉर्मेशन गैदर करके रिकॉर्ड करके, और बाद में उसको उन्होंने डिसेमिनेट किया, और डिसेमिनेशन के लिए उन्होंने जो था सबॉर्डिनेट पोजीशन पे भारतीयों को रखा। लेकिन जब 1947 के बाद हमने अपनी चीजों को वापस पाया तो हमने उस चीज को बढ़ाया, तो इनके द्वारा छोड़े हुए रिकॉर्ड्स और हमारे द्वारा इनको एकत्रित कर दोबारा से पढ़ने का जो प्रयास था उसने जो है हमें बिगर साइंस या जो कहते हैं अपर फिजिक्स करने का मौका दिया। और ऐसा जैसे मैंने आपसे कहा कि मैं ज्यादातर स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे कंसंट्रेट कर रही हूँ, उसकी भूमिका में बात कर रही हूँ, क्योंकि वहां से हमको बल मिलता है, क्योंकि इंडिया जो है एक स्टेप उसके ऊपर आता है। यहाँ से जो काम हुआ उससे जो है ऐसी इंस्टीट्यूट्स खड़ी हुई जहां पर आप सुपर कंप्यूटर्स बनाए, कंप्यूटर साइंस वाले टीचर है उनको परम के बारे में पता है, परम कितनी जनरेशन तक पहुंच गया है वो भी आपको पता होगा। तो ये एक प्रयास था, क्योंकि कोई भी बड़ी चीज करने के लिए आपको जो छोटी छोटी चीजें हैं, महत्वपूर्ण चीजें हैं, उनको एकत्रित करना पड़ता है। दूसरी चीज ये थी कि आप कब तक जो है चीजें बाहर से खरीदते रहेंगे, आप चीजें बाहर से नहीं खरीद सकते, आपको जो है अपने आप से बनाना चाहिए। और मैं यहाँ पे फिर से आप लोगों में से कितने लोगों ने ये वाली पिक्चर देखी है जो अक्षय कुमार और उसकी है मंगल मिशन वाली, देखी है आप लोगों ने पिक्चर? Yes, ma'am. देखी है ना? Yes, है ना, तो ये पिक्चर जो है आपने देखी हुई है। तो मेरा मानना ये है कि उस पिक्चर को सोचो आप, इसरो बेंगलोर की आपको शूटिंग दिखाई गई है, वहां पे साइंटिस्ट हैं एक ग्रुप के, वो बात कर रहे हैं, और सॉल्यूशंस वो कहाँ से सीख रहे हैं? ऑब्जर्वेशन से सीख रहे हैं। ठीक है कि गैस बंद कर देने से पूरी तली जा सकती है। बेसिकली वो बेसिक साइंस जो है वो ये है कि अगर हमें कहीं तक पहुंचना है तो हम रुक रुक के ना पहुंचे,
जो एनर्जी हमने संयोजित की हम उससे ना पहुंचे, क्योंकि वहां का जो अपर एटमॉस्फेयर है वो एक अलग तरीके का है. ओके, तो यहां तक पहुंचने के लिए. लेकिन यहां तक आप पहुंच कैसे गए? इसरो बेंगलोर बन कैसे गया? इसरो सेक अहमदाबाद क्या है? क्योंकि वहां की भी बात हो रही है. आप सोच रहे हैं कि भाई सेक में बन जाएगा, अहमदाबाद में बन जाएगा, ठीक है. फिर आपको कहीं पे एक जगह पे विक्रम साराभाई की बहुत बड़ी फोटो दिख रही है, ठीक है. ये सब क्या है? ये अगर आप पीछे चलते चले जाओगे, पीछे चलते चले जाओगे, तो नेचुरल है आप एक ऐसी इंस्टीट्यूट के बारे में जाओगे. इट इज इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टिवेशन ऑफ साइंस. ये बहुत बड़ी इंस्टीट्यूट थी जिसके बारे में अंग्रेजों के साथ हाथ साथ मिलाकर चलते हुए जो आपके 1875 के लीडर्स थे, है ना, वो सोच रहे थे कि भारत को जो है कब से स्वतंत्र कराना है. ये तो स्वतंत्रता के लिए तो हम सबसे पहले 1757 में ही लड़ पड़े थे, है ना. सिराजुद्दौला रेडी तो नहीं था देने के लिए, है ना. वो तो अंदर से धोखा हुआ, इसलिए 1757 में कलकत्ता इनके कंट्रोल में चला गया, ठीक है. फिर उसके बाद धीरे धीरे आप कंट्रोल में चले गए, लेकिन क्या है कि रेजिस्टेंस लगातार होता रहा. आप आज की तारीख में देख रहे हो पंजाब हरियाणा से आए हुए लोगों ने सारे दिल्ली के बॉर्डर बंद कर दिए हैं, ठीक है. वो रेजिस्टेंस है. ओके, क्योंकि एक चीज आ रही है रूलर के द्वारा और दूसरी चीज जो है वो सब्जेक्ट्स को स्वीकार नहीं है. कुछ को स्वीकार है, कुछ को नहीं स्वीकार है. तो जब तक जो सब्जेक्ट्स है ना, उसको सह पाएगा, नहीं तो परिवर्तन तो होगा ही होगा, क्योंकि परिवर्तन ही जो है आपका परमानेंट फीचर है. बाकी सब चीजें जो है बदलती रहती हैं. तो बेसिकली जब हम साइंस के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं तो यहाँ पे रेजिस्टेंस नहीं आ रहा है. ओके, यहाँ पे रेजिस्टेंस नहीं आ रहा है, क्योंकि रेजिस्टेंस कहाँ पे आ रहा है? पॉलिटिकल फ्रंट पे आ रहा है. ओके, लेकिन इकोनॉमिक फ्रंट पे एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, तो उस एक्सप्लॉयटेशन को रोकने के लिए एक थिंक टैंक है आपके समाज के अंदर, वो उसको वापस अपने कंट्रोल में लाने के लिए कार्य कर रहा है. तो जो पॉलिटिकल फ्रंट पे रेजिस्टेंस दे रहा है, युद्ध कर रहा है ना, वो एक अंग है मानव के समाज का. लेकिन मानव के समाज का दूसरा ही अंग है जो कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम में चुपचाप तरीके से इन्वॉल्व है. तो जो कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम हो रहा है वो जो है आपके साइंटिस्ट के द्वारा हो रहा है, क्योंकि वो जो है एक्टिवली पॉलिटिकल मूवमेंट में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है. Is this clear to you? Yes, ma'am. Okay. अभी मैं जो हूँ क्योंकि शोकेस कर रही हूँ, इसीलिए उसी पीडीएफ डॉक्यूमेंट को आपके सामने रख रही हूँ. एक डॉक्यूमेंट एशियाटिक सोसाइटी एंड साइंस इन इंडिया 1784 to 1947, ये सरब सानी सेन का आर्टिकल है, जो आप अपनी सुविधा के हिसाब से पढ़िए. और आपको एक जो है कैसे भारत के अंदर साइंस एमर्ज हो रही है, यहाँ पर जो पॉइंट स्ट्रॉन्गली निकल के आ रहा है वो ये है कि जब अंग्रेज यहाँ पर आ गए और वो जो है अपने लिए नॉलेज को कलेक्ट कर रहे हैं, तो वो नॉलेज को जो कलेक्ट कर रहे हैं अपने यहाँ से इंटेलेक्चुअल को भेज रहे हैं, लेकिन उसको कलेक्ट करने के लिए जो इंडियन बॉडी है या कॉलोनी की बॉडी, क्योंकि ये चीज मैं श्रीलंका के ऊपर भी बोल सकती हूँ, ये चीज मैं अफ्रीका के लिए भी बोल सकती हूँ, चाइना के लिए भी बोल सकती हूँ, वेस्ट एशिया के लिए भी बोल सकती हूँ, मिडिल ईस्ट रीजन के लिए भी बोल सकती हूँ, लैटिन अमेरिकन कंट्रीज के लिए भी मैं बोल सकती हूँ, क्योंकि ये चीज कहीं ना कहीं लागू होती है. क्योंकि कोलोनियलिज्म और इंपीरियलिज्म है, उसके स्वरूप जो थे कई थे, लेकिन उसका आधार एक ही था. और ये जो आधार था वो ये था कि जो कॉलोनाइजर है वो जो है जब कॉलोनी के अंदर जा रहा है, वहां पे एग्जिस्टिंग जो नॉलेज सिस्टम है उसका अध्ययन कर रहा है, और अध्ययन करके उसका संचयन कर रहा है, और उस संचित चीज को वो अपने हिसाब से अपने लिए प्रयोग कर रहा है. उसका इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, कल्चरल सब तरीके का यूसेज यही, और यही इंपीरियलिज्म की पॉलिसी है. तो जो एशिया के अंदर अध्ययन करने के लिए, नॉलेज को कलेक्ट करने के लिए जो सारा काम हुआ है ना, वो जो है एशियाटिक सोसाइटी के लिए. उन्होंने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ लंदन बनाया, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल बनाया, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बॉम्बे बनाया, और इस एशियाटिक सोसाइटी ने अपने तरीके से विभिन्न विभिन्न क्षेत्रों में काम किए. इन्होंने जहाँ पे नॉलेज को इकट्ठा किया, कहाँ पे इन्होंने पब्लिश किया,
तो विलियम जोन्स का नाम सुना होगा क्योंकि इंग्लिश की भी एक प्रोफेसर थी है ना, वो थी, तो उन्होंने विलियम जोन्स का नाम जरूर सुना होगा क्योंकि विलियम जोन्स ने एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया कि उन्होंने जितने भी अपने संस्कृत के जो थे मैन्युस्क्रिप्ट्स थे है ना, उनमें से कुछ को सिलेक्ट करके ट्रांसलेट करने की बात की, और ये जो ट्रांसलेशन था केवल इंग्लिश तक सीमित नहीं था, वो यूरोप की और दूसरी भाषाओं के अंदर हुआ। 1784 में ये सोसाइटी आती है और फिर ये सोसाइटी पूरे इंडिया के अंदर अपने तरीके से काम करती है और प्रमोट भी करती है दूसरी इंस्टीट्यूशंस को आने के लिए, एशियाटिक सोसाइटी फाइनेंस करने के थ्रू, ट्रेनिंग के थ्रू, एंड फाइनली एडमिनिस्ट्रेट करती है। लेकिन इसके प्रयास से जो आज अपने को एक लाइब्रेरी, डिजिटल रिपोजिटरी, मैन्युस्क्रिप्ट रिपोजिटरी या आर्काइवल रिपोजिटरी जो मिलती है, वो हमारे लिए बहुत ही रिच सोर्स है क्योंकि कहीं ना कहीं इन्होंने अनजाने में हमारे हेरिटेज को स्टोर कर दिया, जो हो सकता था इसकी इम्पोर्टेंस हम इस तरीके से ना समझते, और ये जो है पॉलिटिकल फ्रंट पे नहीं आता। इसलिए नेहरू जो 1936 की बात की है कि ये सब तभी पॉसिबल है जब पॉलिटिकल यूनिटी होगी, तो आप ये तो मानोगे कि जब अंग्रेज आ गए तो पॉलिटिकल यूनिटी होने लगी, क्योंकि वो छोटे छोटे टुकड़ों में जब एक्सप्लॉयटेशन कर रहे थे तो लोगों को समझ में आ गया कि ये एक है और हम अनेक हैं, तो हम अनेकों को एक होना पड़ेगा, और इसी अनेकों में एक होने के चक्कर में जो था साइंस भी आ जाती है। और कुछ ऐसे लोगों के नाम मैं यहाँ पे लेना चाहूंगी विलियम जोन्स के साथ, जैसे महेंद्र लाल सरकार, शिवचंद्र दास, रामसे दत्ता, राम कोमल सेन, प्रसन्ना कुमार टैगोर, ऑफकोर्स द्वारकानाथ टैगोर, रविन्द्रनाथ टैगोर के पिताजी, बहुत बड़ा रोल अदा किया। रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में तो बाद में बात करेंगे, द्वारकानाथ टैगोर के बारे में बात करें, द्वारकानाथ टैगोर ने जो था एक बड़ा आयाम खड़ा कर दिया। हालांकि वो एलिट वर्क को थे, लेकिन पहले तो एलिट वर्क को जगाओ, जब भी जिसके पास पैसा है वो जब अपना पैसा अपनी दबड़ी से निकालेगा है ना, तभी तो आप एक स्टेप जाओगे, तभी तो जो है आप मिडिल क्लास के लिए या आपका डाउन ट्रेडिंग सेक्शन के लिए आप काम कर पाओगे। मैं आपके सामने एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल रखती हूँ कि डिमोनेटाइजेशन होता है, हम सबने बहुत क्रिटिसाइज किया, मैं भी लाइन में लगी थी 500 का नोट चेंज कराने के लिए है ना, लेकिन उस वक्त देखो जैसे ही ये चीज आई तो पता लगा कि जो है आपको फ्री में जो है इंटरनेट दे रहे हैं, चाहे जियो दे रहा हो, चाहे कोई एयरटेल दे रहा हो, सब आपको दे रहे हैं। आपको एक महीना दिया, दो महीने दिया, तीन महीने दिया। मैं अपनी बेटी का आपको अनुभव बताती हूँ, बड़ी खुश थी, मैं तो कर रही हूँ, मैं BSNL से नहीं चेंज हुई, उसने अपना जियो कर लिया। फिर हर एक महीने के बाद कहती अभी एक महीना और फ्री मिल गया, एक महीना और फ्री मिल गया, और आज आप ये सिचुएशन देखो कि हम वाईफाई के माध्यम से बगैर सोनीपत में आए हुए आपके साथ बात कर रहे हैं। तो आप एक चीज सोचो कि जो भी लाइन में हम खड़े हुए, लेकिन उससे एक चीज का फायदा आज हम देख रहे हैं 2020 दिसंबर के अंदर कि अब हमको ट्रेन से और प्लेन से यात्रा नहीं करनी पड़ रही है। ठीक है, मैं आपसे बात कर रही हूँ, आपकी फोटो लगी हुई है और मुझे पता है कि मैं जो हूँ यहाँ के प्रोफेसर हैं, उनकी शक्ल इस तरीके से है, आपसे कांटेक्ट करना होगा मुझे, मैं आपसे फोन पे बात कर लूंगी। तो आप एक चीज देखिए कि जब एक्सप्लॉयटेटिव प्रोसेस होता है उसके अंदर कंस्ट्रक्टिव पॉइंट्स भी होते हैं, जरूरत होती है इंटेलेक्चुअल को उस कंस्ट्रक्टिव पॉइंट को पहचानने की, और यही काम जो था द्वारकानाथ टैगोर कर रहे थे, प्रसन्ना कुमार टैगोर कर रहे थे, महेंद्र लाल सरकार कर रहे थे, एंड दूसरी जनरेशन के अंदर आप किसको देखते हो, सीवी रमन और दूसरे साइंटिस्ट को आप देखते हो। तो जिन लोगों के मैंने नाम लिए हैं, आप अगर गूगल पे जाके विकिपीडिया में इनका लाइफ स्केच जैसे ही देखोगे तो आप ये कहोगे अरे ये तो थे कॉलेज और उसमें पढ़ाते भी नहीं थे, पर इनका रिसर्च जो था कितना जबरदस्त था। और अगर आज आप अपना रिसर्च देखते हो तो हम लोग एक जर्नल में कितने शब्दों का आर्टिकल पब्लिश कर रहे हैं, 1500 शब्दों का, 2500 शब्दों का, 5000 शब्दों को। जब मेरा रिसर्च स्टूडेंट कहता है मैडम कितने शब्दों में रिसर्च आर्टिकल लिख लो, तो मुझे जो है कई बार अपने गाल पे एक थप्पड़ लगाने का मन करता है कि यही जो है रिसर्च और एजुकेशन। मैं ये मान के चल रही हूँ कि आप लोगों में जो सीनियर टीचर है ना, एटलीस्ट उसके मन में तो ये बात आएगी, आप लोग जो लोग एक एक डेढ़ डेढ़ साल टीचर्स के हुए हैं, अगले 6-7 सालों में जैसे जैसे आपका कंट्रीब्यूशन इंटेलेक्चुअल फील्ड के अंदर बढ़ता चला जाएगा, इट इज गोइंग टू मेक लॉट ऑफ डिफरेंस।
Is this clear to you? Yes, ma'am. Okay, है ना? क्योंकि बहुत दुख होता है जब स्टूडेंट आके ये कहता है कि जो मैडम 15 कितने शब्दों में लिख लूं, वो शब्द भी छोड़ो, जब वो कहते हैं मैडम कितने पेज का होना चाहिए, आप पेजों पे चलोगे या कंटेंट पे चलोगे? सुभाष चंद्र बोस से पूछा गया कि क्या आप अपने आप को इस अंगूठी से निकाल सकते हैं, उन्होंने छोटी स्लिप ली, अपना नाम लिखकर निकाल दिया, प्रेजेंस ऑफ माइंड। अरविंदो घोष, अरविंदो की भी बात करूंगी जब नेशनल एजुकेशन काउंसिल की आपसे बात करते हैं, क्योंकि एक आवर पूरा हो गया, तो हमें वहां पे भी जल्दी से इस चीज को आपको अंकित करना पड़ेगा, क्योंकि मैं आपको कुछ पढ़ा नहीं रही हूँ, 400-450 पेज की एक सेट ऑफ आर्टिकल्स दूंगी, जो आपकी इच्छा है उसको आप पढ़िएगा, तो ये चीज जो है देखने वाली है। तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी क्यों बार बार आ रही है, तो अभी क्योंकि जो चीज प्रेजेंट हो रही है आपकी स्क्रीन के ऊपर वो मैं ब्राउज करूंगी, क्योंकि मैंने आपसे कहा इंडियन एसोसिएशन फॉर कल्टीवेशन ऑफ साइंस, जिसकी स्थापना महेंद्र लाल सरकार ने की थी, वो हमको देखनी जरूरी है। ये आपके सामने मैं ब्राउज कर रही हूँ, और ये आप अपने लेजर टाइम में पढ़िए, क्योंकि ये जो मटेरियल है वो बहुत हैवी मटेरियल है ना, लेकिन अगर एक बार आपका इसमें इंटरेस्ट आ गया तो आप कहोगे कि मैडम ने हमारे साथ बहुत अच्छे आर्टिकल्स और बहुत अच्छी पुस्तक के सेक्शन शेयर किए हैं, यू विल रियली एंजॉय इरेस्पेक्टिव ऑफ यू आर नॉट अ स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री। मैं आपके सामने इंडियन एसोसिएशन फॉर कल्टीवेशन ऑफ साइंस की बात कर रही हूँ, जो कि नेशनल ड्रीम था, 1869 में ये जन्म हुआ और अभी भी है, और यहाँ पे एडमिशन लेने के लिए जो है आपको जो है ना IISc और IIT से ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, लोग जानते भी नहीं, और यहाँ पर हर फील्ड में जो रिसर्च होता है, यहाँ का स्टूडेंट बनने के लिए आपको रियली सुपर होना पड़ता है, और सीटें होती नहीं है, IIT में ज्यादा सीटें होती है, ठीक है, एम्स में ज्यादा सीट होगी, लेकिन यहाँ पर आपको उतनी सीटें नहीं मिलेंगी, और ये वो इंस्टीट्यूट है जहाँ पे सीवी रमन ने आकर काम किया था, और 1930 में उन्होंने इसकी लेबोरेटरी में काम करते करते जो फाइंडिंग्स की हैं, आपको पता है साइंस के आप लोग हैं, यहीं से उनको 1930 में नोबेल प्राइज मिला था। यहाँ पे आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये नोबेल प्राइज तो 1927 में मिल गया होता, लेकिन कुछ कंफ्यूजन थे और फिर उसके बाद कुछ पॉलिटिक्स भी थी, इसलिए सीवी रमन को नोबेल प्राइज 1930 में आया था। रविन्द्रनाथ टैगोर का नोबेल प्राइज गीतांजलि के लिए मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो बहुत पहले आ गया था, और आप उसके बाद तो आपने देखा कि भारतीयों को नोबेल प्राइज मिलकर रहा है। मैं इंटेलेक्चुअल फील्ड की बात करूंगी, मैं पीस और उस सब की बात नहीं करूंगी, क्योंकि वहां पर दूसरे किस्म की पॉलिटिक्स होती है, डिसिप्लिन की पॉलिटिक्स होती है, राइवलरी होती है, और सीवी रमन जो है किस चीज से जुड़े हुए हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट फॉर साइंस से जुड़े हुए हैं। सीवी रमन जो है IIT कानपुर के जन्म से जुड़े हुए हैं, क्योंकि वो तो अथक प्रयास विक्रम साराभाई ने किया था, और विक्रम साराभाई ने जो भी काम किए थे उसमें दो लोगों का बहुत बड़ा योगदान रहा है, सीवी रमन और SS भटनागर। विक्रम साराभाई को भटनागर अवार्ड मिला था। अब अगर आप SS भटनागर को देखते हैं तो आपको फिर जो है इलाहाबाद विश्वविद्यालय, पटना साइंस कॉलेज, इन सब के बारे, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के बारे में भी जानना पड़ेगा, क्योंकि रिसर्च जो था किसी एक इंस्टीट्यूशन में नहीं हो रहा था, विभिन्न लोग विभिन्न जगहों पर रिसर्च कर रहे थे। शुरुआत में जो आपको सपोर्ट सिस्टम आया वो ब्रिटिशर्स की वजह से आया, क्योंकि उनकी पॉलिसी थी कि हमको जो है बाबू तैयार करने हैं, ठीक है, और बाबुओं के साथ उनको टीचर भी तैयार करने पड़े, नहीं तो जो है वो जो थे इंपीरियल कंट्रोल कैसे इस्टेब्लिश करते, इसलिए उन्होंने इंपीरियल सर्विसेज बनाई या इंडियन सिविल सर्विसेज बन गई, उन्होंने कभी एजुकेशनल सर्विस तो नहीं बनाई, है ना, अपना UGC बना, ओके, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन किसकी वजह से बना, इंडियंस के प्रयास की वजह से बना, ठीक है, और उसमें आपकी नेशनल लीडरशिप
काम करती रहे। यहाँ पे मैं पॉलिटिकल लीडरशिप की बात नहीं कर रही हूँ, यहाँ पे नेशनल लीडरशिप इन साइंस काम करी। तो मैंने जैसे सीवी रमन भटनागर साहब का नाम लिया और बहुत सारे नाम है, क्योंकि जब ये आर्टिकल आप पढ़ रहे होगे तो आपको समझ में आएगा कि कौन कहाँ किसने कैसा कंट्रीब्यूशन किया। पहला कंट्रीब्यूशन जो आ रहा है उनका खुद के रिसर्च के द्वारा आ रहा है, दूसरा आ रहा है कि वो किस तरीके से अपने इंस्टीट्यूट अपने कॉलेज में पढ़ा रहे हैं और किस तरीके के स्टूडेंट तैयार कर रहे हैं, और फिर वो जो स्टूडेंट तैयार हो रहा है वो किस तरीके का मौलिक रिसर्च कर रहा है, और उनका हर स्टूडेंट जो है एक नई इंस्टीट्यूशन को जन्म दे रहा है। तो जिन इंस्टीट्यूशन में आप पढ़ा रहे हैं या मैं पढ़ा रही हूँ, है ना, वो कम से कम जो है 15 जेनरेशन का परिणाम है। मेरी इंस्टीट्यूशन 1881 में जन्म लेती है, आप जिस कॉलेज में या जिस इंस्टीट्यूशन में पढ़ा रहे हैं अगर वो 1950 में भी जन्म ली है तो सोच के देख लो कि जो है 50 साल पुरानी तो वो वैसे ही हो गई, ठीक है। और वो जो 50 साल पहले इंस्टीट्यूशन बनी वो किस लिए बनी, क्योंकि उस गांव का एक फिलेंथ्रोपिस्ट था, एक ऐसा व्यक्ति था जो चाहता था कि इस इलाके के अंदर जो है हमारे बच्चे पढ़े लिखे हैं। तो जिस विश्वविद्यालय के एकेडमिक स्टाफ कॉलेज के साथ आप अध्ययन कर रहे हैं, हमारा डायलॉग हो रहा है ना, वो संत किसके नाम पे, फूल सिंह जी के नाम पे है, ठीक है। अगर आपने उसका कॉम्प्लेक्स देखा है, वो तो गुरुकुल था और फिर बाद में जो है देखा कि उस रीजन के अंदर महिलाओं के लिए बच्चियों के लिए कुछ होना चाहिए, नर्सरी लेवल से लेके ऊपर तक वो क्रिएट कर गए। आज वो विश्वविद्यालय है, वहां पर जो एक मेडिकल कॉलेज है, आप सामने जाओ तो वहां पर एक आयुर्वेदिक कॉलेज है, वहां पर साथ में जाओ तो कुछ पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट है, पूरे खेतों के बीच में ये इंस्टीट्यूशन बनी हुई है ना। और आप ये सोचो कि अगर वहां पर अथक प्रयास हो, कंट्रीब्यूट करें लोग जाके, तो अगले 50 साल में ये इंस्टीट्यूट किसी भी एक क्षेत्र में टीचिंग लर्निंग के बियॉन्ड रिसर्च के ऊपर जाकर एक्सेल कर सकती है। कर सकती है या नहीं कर सकती है बताइए, हाँ या ना। यस मैम। शेफाली जी हैं क्या? यस मैम जी, बिल्कुल हूँ, यहाँ पर ही हूँ, बिल्कुल कर सकती है जी, टीचिंग में भी कर सकती है और रिसर्च में भी कर सकती है। मैंने आपकी बात कही है और आप आपके वाइस चांसलर तक ये बात जरूर पहुंचा दीजिए, अगर आप जरूर पहुंचाएंगे नहीं, और इसको अगर आप रिकॉर्ड कर रहे हैं तो सुषमा जी को जरूर बोलिएगा कि आज जो आप इंडिक स्टडीज की बात जब करते हैं तो हिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी वो जो है शुरू कराइए, जो लोकल टीचर है लोकल यूनिवर्सिटी आस पास है वहां से अगर रिसोर्स आ रहा है वो इसमें काम करता है तो आप इंस्टीट्यूट जो है एक्सेल कर सकती है। ओके, मैं इंडिक स्टडीज इसलिए कह रही हूँ कि इंडिक स्टडीज इज नॉट अबाउट पास्ट, इंडिक स्टडीज इज अबाउट फ्यूचर आल्सो, एंड इनफैक्ट भारत अध्ययन केंद्र जिसको आप कहते हैं है ना, वो जो है एम्फेसाइज करेगा कि भारत का छोटे से छोटे गांव का कंट्रीब्यूशन को तरीके से पढ़ना चाहिए। इसमें कंप्यूटर वाला भी योगदान दे सकता है और उसमें साहित्य वाला भी योगदान दे सकता है। अभी अब मैं जो हूँ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जाना चाहूंगी, इसको मैं सिर्फ 2 मिनट के लिए डॉक्यूमेंट आपके सामने ब्राउज कर रही हूँ, क्योंकि जो डॉक्यूमेंट आपके पास पहुंचेगा वो अराउंड 423 पेज का होगा। शिफाली जी मैं आपको शेयर कर लूंगी, यू कैन शेयर दिस डॉक्यूमेंट विद ऑल द टीचर्स हु आर प्रेजेंट ओवर देयर, एंड बिल्कुल हम सर्कुलेट कर देंगे इनको जी। तो अभी मैंने आपको पहुंचा देंगे सभी तक। ICS की बात करी और यहां से सीधे जो है मैं आपको इंडियन इंस्टीट्यूट फॉर साइंस बेंगलोर की बात करती हूं, क्योंकि सीवी रमन नोबेल प्राइज मिल गया, फिर ये आया कि जो है अब हमको ऐसी संस्थान बनानी चाहिए जहां पर जो है रिसर्च और टीचिंग हो, साइंस को ही लेके नहीं है। इंडियन इंस्टीट्यूट फॉर साइंस जो है केवल लगता है कि वो साइंस की है, वहां पर शिफाली मेरा और तुम्हारा सब्जेक्ट भी बहुत स्ट्रांगली पढ़ाया जाता है, आपका मैनेजमेंट है ना, मेरा जो है हिस्ट्री है और अव्वल दर्जे का हो रहा है, जो कि आप रोहतक यूनिवर्सिटी, मेरठ यूनिवर्सिटी या कानपुर यूनिवर्सिटी या किसी इस यूनिवर्सिटी में नहीं देखते हो, दे आर अ लेवल अबव, क्योंकि वो जो है सिंपल करिकुलम का हिस्सा नहीं है, वो जो है रिसर्च का हिस्सा है। क्योंकि जिस टॉपिक पर मैं आपके साथ बात कर रही हूँ अगर इसको मैं करिकुलम में लेके जाऊंगी तो इतना सारा छोटे बच्चे को नहीं पढ़ा सकती हूँ, तो नेचुरली एक लॉन्ग टर्म ट्रेनिंग की जरूरत है
इस तरीके का अध्ययन करने के लिए, इस तरीके का संकलन करने के लिए और संकलित और अध्ययन किए हुए सामान को दूसरी जनरेशन तक पहुंचाने के लिए। तो जब इंडियन इंस्टीट्यूट फॉर साइंस बन गई तो इसमें क्या हुआ, राजा तंजावर ने रोल प्ले किया, आपके जो है टाटा साहब ने किया, मैं जो हूँ डीएन टाटा की बात कर रही हूँ, दोराब जी ट्रस्ट जो बना उनके नुसर वांजी टाटा जी की बात कर रही हूँ, और उन्होंने एड़ी चोटी का जड़ लगा दिया और बेंगलोर के अंदर आपका IISc बना। मैसूर के राजा ने दिल खोल के दान किया, है ना, नुसर जी टाटा ने जो अपनी जितनी वेस्टर्न इंडिया के अंदर प्रॉपर्टी थी, है ना, ऊटी तक वो सारी की सारी प्रॉपर्टी, उससे जो इनकम होती थी वो इस संस्थान के लिए लगा दी। कैपिटल उसकी बहुत जरूरत होती है अगर आप जो है चाहते हैं कि आपकी जनरेशन के लिए आपका प्रशस्त हो, और अगर ये नेक्सस जो फिलेंथ्रोफी की नेक्सस है और इंस्टीट्यूशन की बिल्डिंग अगर ऑनेस्टली काम करती है तो जो है राष्ट्र सर्वोपरि होता है। मैं एग्जाम्पल आपको दे रही हूँ यूनाइटेड स्टेट्स का, रॉकफेलर जो है जिसका नाम आप सबने सुना होगा, रॉकफेलर अगर अपनी अनुदान नहीं देते तो अमेरिका के अंदर इतनी रिसर्च नहीं होती और अमेरिका जो है इतनी सारी रिसर्च जो है कोलैबोरेशन रिसर्च नहीं करा पाता। तो केवल सरकार के आय से नहीं होता, क्योंकि सरकार की जो आय है वो जो है उस राष्ट्र के नागरिकों की आय होती है जो कि इनकम टैक्स और दूसरे टैक्सों के रूप में सरकार के पास आती है और सरकार उसका प्रयोग या दुरुपयोग कर सकती है। इसलिए क्या होता है कि जो अनुदान आता है लोगों से वो बहुत जबरदस्त होता है। IISc वहां से बना, फिजिक्स डिपार्टमेंट की डायरेक्टरशिप सीवी रमन ने संभाली, वो थोड़ा स्वभाव अलग था, उसके बाद उन्होंने एक रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट बनाई, लेकिन उनके जो स्टूडेंट रहे विक्रम सारा भाई जो कि वर्ल्ड वॉर सेकेंड की वजह से आ गए थे, होमी भाभा को भी हम ले लेते हैं, इन दोनों ने अपनी कैपेसिटी में अपने पिता के पैसे से शुरुआत में ऐसी इंस्टीट्यूट शुरू करी। इसलिए आप बॉम्बे के अंदर क्या देखते हो, TIFR टाटा इंस्टीट्यूट फॉर फंडामेंटल रिसर्च, आप और क्या देखते हो, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, जहां पर फिजिक्स का भी काम होता है, जहां पर बीमारियों के का भी अध्ययन किया जाता है। जैसे जैसे चैलेंजेस आते जाते हैं ये इंस्टीट्यूट काम कर रही है। यहाँ पे इन्होंने अपने घर पे PRL लगाई विक्रम सारा भाई ने, वो PRL किसको जन्म दे देती है, इसरो को जन्म दे देती है, स्पेस एप्लीकेशन सेंटर को जन्म दे देती है, SAHR को दे देती है। विक्रम सारा भाई के 19 स्टूडेंट्स है, वो 19 स्टूडेंट्स का लाइफ प्रोफाइल आप देखिए तो हर व्यक्ति ने रिटायरमेंट के बाद एक नई इंस्टीट्यूट बना दी। अब जो रोल आता है वो क्वालिटी का आता है। आपने देखा था ब्रिटिशर्स की जब मैं बात कर रही हूँ, उनका मोटिव कॉलोनी के अंदर इंस्टीट्यूट खड़ा करना इसलिए था क्योंकि उनको अपनी इंपीरियल सत्ता बरकरार रखनी थी। लेकिन जब आप स्वतंत्र हो गए और जो क्रिएट हो गया था इस प्रोसेस के अंदर और जारी रखना था स्वायत्तता के साथ, इसलिए आपकी नेशनल इंस्टीट्यूट बनती चले गई। तो क्या बना आपका, सबसे पहले CSIR आया, अब्दुल कलाम आजाद की बात कर रही हूँ मैम, है ना, एजुकेशन मिनिस्टर थे, हुमायूं कबीर मिनिस्टर थे, इन्होंने हर स्टेट्स में जाकर इंस्टीट्यूट्स जो है बनानी चली गई। अब आप में इतने सारे स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, सॉरी टीचर्स बैठे हुए हैं, अगर आप इस किताब को पढ़ने के बाद एक प्रोजेक्ट कंसीव कर लीजिए कि हमको जो है हरियाणा के अंदर देखना है। हरियाणा क्या है, एग्रीकल्चर में एक्सील करता है, आपका करनाल का क्षेत्र है, वहां पर पशुपालन और सब चीजें होती है, तो एग्रीकल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से हरियाणा पंजाब दोनों इंपॉर्टेंट है ना, चाहे पटियाला यूनिवर्सिटी हो और चाहे आपकी HAU है जिसकी हिसार एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी की मैं बात कर रही हूँ। एक बार इसके इतिहास लेखन में एक अच्छा बढ़िया रिसर्च आर्टिकल करने की बतौर 6 महीने प्रोजेक्ट करके आप जो है करने का प्रयास कीजिए। आप देखिए कि वहां पे जो साइंटिस्ट हुए, क्या उन साइंटिस्ट का लाइफ स्केच किसी ने तैयार किया या कहीं जो है वो ऐसे ही रद्दी के अंदर पड़ा हुआ है। ये भी देखिए कि वहां से जो निकला हुआ साइंटिस्ट था, क्या वो इंडियन नेशनल साइंस एकेडमी के रोल पे आ गया। इंडियन नेशनल साइंस एकेडमी की स्थापना CV रमन ने की थी क्योंकि वो नेशन के प्लेटफॉर्म के ऊपर पूरे नेशन को बताना चाहते थे कि देश के छोटे छोटे कोने के अंदर कौन लोग काम कर रहे हैं। जरूरी नहीं है कि वो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी या जो है
कलकत्ता यूनिवर्सिटी या बनारस यूनिवर्सिटी के ही टीचर रहे हो, अरे छोटे छोटे कॉलेजेस जो भी स्थापित हुए थे या इंडिविजुअल रिसर्च जो हो रही थी, उन्होंने वहां पर प्रमाण प्रस्तुत किए थे, उन प्रमाणों को इन्होंने बहुत ही प्रयास के साथ आइडेंटिफाई किया, और फिर आप ये देखिए कि एक नई संस्थान का उस इलाके के अंदर जन्म हुआ है। तो जो एक प्रोसेस शुरू हुआ था कलकत्ता से राइट फ्रॉम द बिगनिंग इन द 18th सेंचुरी थ्रू आउट द 19th सेंचुरी, ये प्रोसेस जो है लगातार जारी रहा और ये प्रोसेस आज भी फर्दर इलोंगेट हो रहा है। सीवी रमन से जो शुरुआत, क्योंकि सीवी रमन ने क्या किया, सब जगह जाके घूम घूम के लोगों को इकट्ठा करने लगे। आपने श्यामा प्रसाद मुखर्जी का नाम सुना, अभी थोड़े दिन पहले उनकी बर्थडे हो गई, 25 तारीख को मदन मोहन मालवीय जी की बर्थडे थी। आप एक चीज सोचो कि वो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय क्यों बना रहे हैं, उससे कुछ दिन पहले सर सैयद अहमद खान की संस्थान अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में प्रधानमंत्री जो थे भाषण दे रहे थे, शांति निकेतन में भाषण दे रहे थे। आप ये देखो कि ये जो 2020 और 2019 का ईयर है वो कितनी सारी चीजों की 100 ईयर्स कंप्लीशन को देख रहा है। तो बेसिकली क्या है कि हम जो है 100 ईयर्स की अपने स्वतंत्रता के इतिहास को देख रहे हैं। हमारा स्वतंत्रता का इतिहास 1857 से नहीं शुरू होता है, हमारा स्वतंत्रता का जो इतिहास है वो जो है इनफैक्ट 1700 से शुरू हो जाता है, या जो है 1600 से शुरू हो जाता है, या 15वीं शताब्दी से शुरू हो जाता है, जब वास्को डी गामा आके पहली बार पावर का इस्तेमाल करता है कैलीकट में जमोरिन रूलर्स के अगेंस्ट। और इसलिए क्या है, बार बार कहा जा रहा है इतिहास लेखन, इतिहास का पुनर्लेखन की जरूरत है। अब पॉलिटिकल हिस्ट्री के लिखने की जरूरत नहीं है, हमें हिस्ट्री ऑफ साइंटिफिक रिसर्च लिखने की जरूरत है, हमें हिस्ट्री ऑफ द सब्जेक्ट्स ऑफ इंडिया लिखने की जरूरत है। और वो सब्जेक्ट है, वो जो सिटीजन है वो लिटरेट है या नहीं लिटरेट है, उसका इतिहास लेखन लिखने की जरूरत है, क्योंकि जो इंडिया का इतिहास है वो जो है बहुत स्ट्रॉन्ग है। और ये चीज जो है मेरे को नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के ऊपर लेके आती है, क्योंकि मैं आपके साथ जो है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का डॉक्यूमेंट अभी शेयर करने जा रही हूं। आपको स्क्रीन पे दिखाई दिया? नो मैम, नॉट। अभी देखिए, देखते हैं कि आया कि नहीं आया। आपको सेलिएंट फीचर्स ऑफ एजुकेशन पॉलिसी दिखाई दे रहा है या नहीं? स्क्रीन तो है मैम, ओके एक मिनट मैं पहले वहां से निकलूंगी, फिर दोबारा से प्रयास करूंगा। ओके जस्ट वेट। ओके नहीं हो रहा है तो मैं आपको ये डॉक्यूमेंट भी शेयर कर लूंगी, क्योंकि समय हमारे पास कम है। ओके तो जो है आप अगर सेलिएंट फीचर्स ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी देखें, वो भी मैं हायर एजुकेशन के संदर्भ में बात कर रही हूँ, स्कूल एजुकेशन और इंटरमीडिएट के बारे में नहीं बात कर रही हूँ, ठीक है। उसके अंदर कम से कम जो है आपको जो डॉक्यूमेंट है वो पहला जो पॉइंट है वो कहता है, आप लोगों ने पढ़ा है क्या ये एजुकेशन पॉलिसी? आपने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पढ़ा है क्या? नो मैडम, कोई बात नहीं, हम आपको ये डॉक्यूमेंट शेयर करेंगे और मैं जो हूँ आपके साथ बात कर रही हूँ। इसमें फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी है,
इस पॉलिसी को समझने के लिए आपको 86 की एजुकेशन पॉलिसी के बारे में जरूर पता होना चाहिए, क्योंकि 86 में पॉलिसी है, 1950s में पॉलिसी है, और इवन एजुकेशन पॉलिसी ब्रिटिशर्स के टाइम पे भी हो रही है। मैंने एक बार ये सारे डॉक्यूमेंट्स समझने की कोशिश की थी और मेरे को ये था कि भाई ये पॉलिसी क्यों बन गई है। आपका जैसे यूनिवर्सिटी जो है फूल सिंह यूनिवर्सिटी सोनीपत वाली, इसके अंदर जो है इन्होंने बहुत कंट्रीब्यूट किया है, ठीक है, क्योंकि कई बार इसको सोचने के लिए कई सारी कार्यशालाएं जो है सोनीपत के अंदर हुई है, और एक दो कार्यशाला के बारे में तो मुझे भी पता है, और यहाँ से जो रेजोल्यूशंस आए हैं वो कहीं ना कहीं जो है पॉलिसी के अंदर जो है इंगित किए गए हैं। तो जो आप डॉक्यूमेंट देखेंगे, जो डॉक्यूमेंट मैं आपके साथ शेयर करूंगी 24 पेज का डॉक्यूमेंट होगा, इसका जो पहला पॉइंट है वो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ द पॉलिसी है ना, जो क्लियरली कहता है रिकॉग्नाइजिंग आइडेंटिफाइंग एंड फोस्टरिंग द यूनिक कैपेबिलिटी ऑफ ईच स्टूडेंट, ओके, देन टू अचीव फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, बट व्हेन इट इज डन इट हैज टू बी डन थ्रू फ्लेक्सिबिलिटी, it will be done through multidisciplinarity and holistic education. An emphasis will be on conceptual understanding, creativity and critical thinking. One has to look into the ethics and human and constitutional values, promote multilingualism and understand the power of language in teaching and learning and acquiring skills. And when it comes to assessment, it has to be regular formative assessment for learning, extensive use of technology, full of diversity in the global and the local context. We have to emphasize the local. It has to be equitative and inclusive kind of thing. Synergy has to be developed so that whatever a person or a student is learning, it gives him or her holistic development. It has to be regular, it has to be integrative, there has to be transparency, it has to be resource efficiency. And finally, whatever is done, the outcome has to be outstanding research, and this outstanding research will undergo continuous review process, so on and so forth. Have you understood this? Okay, great. Okay, now it also have how the university quality of the universities and colleges can be improved. It suggests, it talks of autonomy, and in fact it looks into for 2040, means that there has to be restructuring. So by 2040, you see the 2020s goal is achieved, and after 2020 in 2040 a review has to be carried out. Right, and so this document, which talks about local, it talks about international, it talks about participation, it talks about teamwork, it talks about outcome, and so on and so forth. Right, you can ask me a question, ma'am, when there was already an education policy, why such a thing had come? But this document had come because there was a necessity for that, because sections of the academia world, intellectuals in India, from nursery level to higher education, were saying that whatever is thought of is not implemented properly, right? So I've often heard that policy is good, its implementation is poor. So naturally, to bring it in a practical mode, naturally stress is on implementation. And that's why you see that when this document was being prepared, the chairmanship was none by a space scientist. I'm referring to Kasturi Rangan. Okay, see why Kasturi Rangan? And that's why I want to show you something of the PRL document, this PRL, Physical Research Laboratory. And in fact, this had come up with the initiative of the Sarabhai family. Vikram Sarabhai was instrumental in that. I had interviewed around several scientists who were, some of them were the students of Vikram Sarabhai. So one example is that Vikram Sarabhai came to Ahmedabad University. I was a bachelor's student, completed bachelor's from MSU, and was a student there in Ahmedabad University. He came, he saw me. Okay, what you have done? So he said, sir,
I had made a transistor. Okay, what kind of transistor? So he said, why don't you come to my lab? And I'm referring to Pramod Kale, right, who had been the director of ISRO SAC. You just Google it, name it, and just listen to what he has to say in his remembrance that how the Indian space program was taking shape. Or if I talk of Professor Chitnis, or if I talk of Professor Bhavsar, or if I talk of Professor S.P. Gupta, or if I talk of Professor Rajdan, and the list is really long, even I can speak of the present ISRO chairperson, Shivan Sahab also. See, so why I am taking these big names before you, before becoming big, right? They were a student like you and me when we have just started doing our bachelor's program. But the thing is that the skill and the hard work these people had put in, and of course, the training they had undergone through their hardworking teachers had made the country proud and in fact emerged as a powerhouse. So this NEP 2020, which is emphasizing not only on teaching and learning, it is emphasizing on research, and that too indigenous research. So NEP 2020, I think that which has replaced National Policy of Education 1936, has a long-term agenda, thinking in terms of 2030, thinking in terms of 2040, as I have told you. And in fact, it starts from early childhood care education, right? And it goes into pedagogical structures, talks about holistic development of learners, and in fact, after attaining foundational literacy and numeracy, right, it goes for multilingualism and language based on assessment, continuous assessment form, and preparing the whole generation for in the direction of self-sufficiency at the level of production, at the level of consumption, at the level of preservance, and so on. So this brings me an end to the lecture, because it is already 1:30. I was asked by Shifali ji to stop. Of course, reading material will be coming to you, because from where I have acquired knowledge, I will definitely sharing those modules with you, so that in future, like me, you would be deliberating not on a macro topic, rather deliberating on the micro topic. Shefali ji, I am ready to take up the questions. Anybody have the questions? All the participants are invited for the questions. You may please come up if you have any doubts. आप सब लोग यही हैं, और अगर आप लोगों ने सुना है या फिर नई एजुकेशन पॉलिसी के बारे में अगर कहीं पढ़ा है, तो ऐसा जरूर होगा कि कुछ ना कुछ चीजें इसको लेकर हम सब लोगों के मन में बहुत सारे प्रश्न भी हैं. तो ये आज हमारे लिए एक अवसर है कि हमारे बीच में एक लर्नड वक्ता है जो इसके ऊपर हमारे साथ चर्चा कर रही हैं, और आगे भी हमें बहुत सारे समाधान के साथ ये दे सकते हैं. तो आप में से कुछ लोग तो हिस्ट्री से ही हैं. हेलो, नमस्ते मैडम. हाँ, बलराम जी बोलिए. जी नमस्कार जी. मैडम, जैसे आपने कहा कि भी आपके स्टूडेंट ने आपसे आगे पूछा कि भी कितने पेज का रिसर्च पेपर लिखूं या कितने शब्दों का, तो आपको गुस्सा आया. हाँ, गुस्सा आया. हाँ जी मैडम, मैं पंजाब यूनिवर्सिटी का रिसर्च स्कॉलर भी हूँ फिलहाल, वहां से पीएचडी कर रहा हूँ मैं. तो मैडम, मैंने आज से करीब 3 साल पहले एक रिसर्च पेपर लिखा था, और रिसर्च पेपर जो था काफी टॉपिक के हिसाब से बढ़ गया था, उसके 17-18 पेज लगभग हो गए थे. और मैंने कुरुक्षेत्र की एक कोई पत्रिका जी, नाम नहीं लेना चाहूंगा मैं, तो वहां उसको भेजा, उनसे बात की, उन्होंने रिसर्च पेपर देखा, उनको अच्छा लगा, बोले कि हम छाप देंगे. लेकिन जब उन्होंने अगला ही जो उनका पॉइंट ये था कि आप इसको थोड़ा कम कर दीजिए, मतलब हमें पत्रिका जो छापते हैं उसमें इतने पेज तो नहीं छाप पाएंगे, और इसको आप 5-7 पेज तक का कर दीजिए.
तो पेज का तो इशू रहता मैडम, वो अलग बात है कि मैंने उनको मना कर दिया कि मैंने बड़ी मेहनत से लिखा, 3-4 महीने में जाके मेरा रिसर्च पेपर तैयार हुआ, तो मैं इसको कम नहीं करूंगा, आपने छापना है तो ठीक, नहीं छापना है तो ठीक। तो हालांकि उन्होंने बाद में अपनी उसकी 2-3 पत्रिकाएं हैं उन्होंने दूसरी में छाप दिया, लेकिन इशू तो रहता मैडम, कोई भी पत्रिका आप ले लो उसमें पेजों की होती दिक्कत, वो पेज इसलिए बच्चा शायद पूछता हो गया, मुझे नहीं पता कि ये मेरे साथ ही होता है, कईयों के साथ, किसी के साथ होता होगा कि भी आप अपना विषय भी बता दीजिए बलराम जी, आप किस विषय से हैं? हिस्ट्री से हैं जी? हिंदी, हिंदी, हिंदी से। देखिए हिंदी से नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के संदर्भ में हम बात कर रहे हैं, क्योंकि वहां पे उन्होंने मल्टीलिंगुअलिज्म ऑफ लैंग्वेज ऑफ पावर की बात की। ओके, ये इसलिए आए क्योंकि ये चीज अकेले मैं नहीं अनुभव करती हूँ। आप इमेजिन करके देखो कि कमेटी पे कौन लोग बैठे हुए हैं, जो सबसे ऊपर लेवल पे और दूसरे लेवल पे जो काम किया है ना, वो जो है सार की बात हो रही है। जब स्टूडेंट आके आपसे पूछता है कि कितने पेज में लिख दूं, या आपका पब्लिशर कहता है कि इसको छोटा कर लो, तो आप एक चीज सोचो वो किस चीज में इन्वॉल्व है। वो सिर्फ जो है अपना छोटा सा गोल पूरा करने में है, मेरा रिसर्च पेपर छप जाए और मेरा, मैं रिसर्च पेपर छाप दूं और मेरी मैगजीन बिक जाए। आप ये बताइए, ना तो मेरा स्टूडेंट बात कर रहा है और ना आपका पब्लिशर कंटेंट की बात कर रहा है, ठीक है, ना वो इस चीज में इंटरेस्टेड है कि आपने क्या कुछ नया जो है निकाला है। आप बेसिकली क्या कर रहे हैं, आप कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, मल्टीप्लिसिटी कर रहे हैं, ठीक है, और आपका जो अच्छा रिसर्च है, ठीक है ना, वो उसको क्या मान के चल रहा है कि आप कॉपी पेस्ट करके लेके आए। तो आप एक ये चीज सोचो, एक मानसिकता बन गई है ना, ये मानसिकता बनी, इसीलिए तो ये NEP 2020 लाई। और जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि पॉलिसी डॉक्यूमेंट आ गया, हर यूनिवर्सिटी के अंदर मिनिस्ट्री ने भेजा कि आप ये बताइए कि आप इसको एक्सेप्ट करेंगे, और अगर आप एक्सेप्ट करेंगे तो इसको एग्जीक्यूट कैसे करेंगे। आप अगर पॉलिटिकल सिनेरियो देखिए, जितनी नॉन NDA गवर्नमेंट थी, सबने कह दिया हम नहीं करेंगे, ठीक है, जो NDA गवर्नमेंट थी उन यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर लेके उसको हम प्रोफेसर्स के ऊपर आ गए, और हमसे कहा गया कि इस तारीख तक अपना जो है आप जो है तरीका बता दीजिए कि इसको आप कैसे इंप्लीमेंट करें। नेचुरल है, मैं भी अपनी यूनिवर्सिटी में 2 कमेटीज के ऊपर जो थी मेंबर रही, और हमसे कहा गया कि आप जो स्ट्रक्चर बना के देंगे वो सारी फैकल्टीज के अंदर लागू होगा। हमारे यहाँ 19 फैकल्टी है, ठीक है, MS यूनिवर्सिटी जो है इसका कोई कॉलेज नहीं है। 50,000 की हमारी स्टूडेंट की स्ट्रेंथ है और 13,000-14,000 की हमारी टीचर्स की स्ट्रेंथ है। वी हैव नो कॉलेज, वी आर हैविंग फुल फ्लेज्ड डिपार्टमेंट। नेचुरल है हम बैठे क्या करें, तो हम कहां से उत्तर लेके आ रहे हैं? हम उत्तर लेके आ रहे हैं अपने खुद के एक्सपीरियंस से, है ना। अगर मैं ये कहूँ कि मैं गाँव के स्कूल में पढ़ी थी तो मेरा एक एक्सपीरियंस अलग है, और मैं ये कहूं कि मैं दिल्ली के DPS में पढ़ी थी, मेरा एक्सपीरियंस अलग है ना। जो जमीनी हकीकत है मैं गांव के स्टूडेंट होने की, उससे क्योंकि मैं तो पढ़ी हूँ 12th तक ऐसे गर्ल्स स्कूल के अंदर जहाँ पे कुर्सी मेज नहीं होती थी, नीचे ईंट रख के पेड़ के नीचे पढ़े हैं हम, ठीक है। लेकिन हमने कंटेंट को समझा, ठीक है, हमने स्किल एक्वायर की, है ना। और आज अगर मैं अपनी यूनिवर्सिटी का आपको परिचय दे रही हूँ तो कहीं ना कहीं मैं ये आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ कि इस इंस्टीट्यूशन की जो लीगेसी है ना, जो 100 साल से ऊपर की है, ओके, 1881 में बनता है, 1981 में 100 साल, आप सोच लो 2020 में कितना हो गया। और ये वो जगह है जहाँ पे अरविंदो भी थे, ओके, ये वो जगह है जहाँ पे जो है CV रमन आए हैं, जिनका मैं नाम आपको ले रही हूँ, आपकी इंस्टीट्यूशन में भी ऐसे है। तो एक ऐसी जगह से निकल के यहाँ तक आते हैं तो यात्रा लंबी है, तो शॉर्टकमिंग्स भी हैं, चैलेंजेस भी हैं, उपलब्धियों की बात नहीं करते हैं। तो आपको जो है, जो आपका प्रश्न है और जो मेरी व्यथा है, क्योंकि मैंने अपनी व्यथा आपके सामने रखी, ये मान के कि ये व्यथा तो आपको भी है, ठीक है। अभी आप अगर PhD कर रहे हो या 1.5 या 2 साल आपको टीचिंग करते हुए वो है, आपकी ये व्यथा बनने वाली है, क्योंकि जितना स्टूडेंट बैचलर्स करने के लिए आपके पास आएगा वो जो है रिसर्च के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं आएगा, वो डिग्री हासिल करने को आएगा, और वो डिग्री करके जॉब मार्केट के लिए जाएगा। तो आपको ये लेवल समझने पड़ेंगे।
कि कौन सा लेवल कंज्यूमरिज्म का है, ठीक है, कौन सा लेवल प्रोडक्शन का है। अब केवल इंडस्ट्री को प्रोड्यूस नहीं करना है, आपको और मेरे को प्रोड्यूस करना है। अगर मैं और आप जो है सही किस्म की फसल पैदा करेंगे और सही किस्म का बीज होगा तो आने वाली फसल अच्छी होगी। तो एनईपी जो आई है वो जो है हिंदुस्तान के शिक्षक से है ना बहुत अपेक्षा रख रही है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि 2030 और 2040 में ये जितनी अपेक्षा रख रही है, जो छुपी हुई अपेक्षा है, सुंदर सुंदर शब्दों के अंदर ये छुपी हुई अपेक्षा है। मैं इतना मान के चल रही केवल 10% जो है शिक्षक जो है इस चीज को समझेगा, 90% शिक्षक नहीं समझेगा, ठीक है। बहुत से लोग मुझसे नाराज हो जाएंगे, लेकिन हो जाए तो हो जाए, सच्चाई तो यही है ना। क्योंकि हमें 70 साल का अनुभव है कि पहले भी तो पॉलिसी डॉक्यूमेंट अच्छा होता था, है ना, कभी पॉलिटिकल विल नहीं होती थी, ठीक है, कभी टाइम पे इकोनॉमिक सपोर्ट नहीं आया, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी नहीं मिली, तो हमारे अंदर जितना जोश था उस वक्त उसका सही तरीके से प्रयोग नहीं हुआ, और जब सही तरीके से उसका प्रयोग नहीं हुआ तो प्रोडक्ट भी सही नहीं आया। तो मेरी व्यथा और आपकी परेशानी, क्योंकि आपकी भी व्यथा ही है कि मैंने इतनी मेहनत से हिंदी साहित्य का पूरा गुण अध्ययन करके एक समस्या को निकाल के अपने विचारों को अपने ही शब्दों में लिखने की कोशिश किया, ये बंदा अपनी मैगजीन के अंदर अपने नियम के हिसाब से मेरी काट छाट कर रहा है, ठीक है। तो इससे अच्छा तो क्या है कि अपना ट्विटर अकाउंट खोलो, ठीक है, उसके ऊपर अपना आर्टिकल डाल दो, जो व्यक्ति उसको पढ़ेगा उसके ऊपर होगा, क्योंकि आपने तो अपना टीचिंग लर्निंग का काम कर दिया। क्योंकि ये डॉक्यूमेंट आपके पास पहुंच रहा है, सीवी नेचर नाम के जर्नल के बारे में आपने सुना है, नेचर एक ऐसा जर्नल है जिसमें अगर आपका आर्टिकल आज भी पब्लिश होता है तो इसका मतलब यह होगा कि आप कोई ग्लोबल अवार्ड पाने के हकदार हो। कोविड सिचुएशन के अंदर जब मार्च के महीने में फैल गई, अप्रैल के महीने के अंदर है ना आर्टिकल पब्लिश होता है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि उसका रिव्यू होके साइंटिस्ट कम्युनिटी जो सीनियर है वो कह रही है कि इस लैब के अंदर कोविड को लेके जो भी अध्ययन हुआ है वो एस्टेब्लिश है, इसलिए जितना डॉक्टर है और जितना फार्मेसिस्ट है वो जो है उस आर्टिकल को पढ़ के वैक्सीन के ऊपर काम करेगा, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल नवंबर के अंदर आपकी जो थी स्पुतनिक वैक्सीन जो थी रशिया के प्रेसिडेंट उनकी बेटी ने ले, आई आस्क माई डॉटर हु इज ऑल्सो अ डॉक्टर, मैंने कहा बेटा ये ले लिया है ना, ये क्या वैक्सीन रशिया की चलेगी? तो कहती है किसी अच्छे जर्नल में आर्टिकल पब्लिश होने तो फिर उसके बाद बताऊंगी ये सही है कि नहीं है, ऑथेंटिसिटी, ठीक है। अब नेचर के अंदर अगर आप में से कोई साइंटिस्ट है अपनी फाइंडिंग्स वहां भेजने चाहता है उनका एक फॉर्मेट है, साइंस के जर्नल में अगर आपको भेजना है तो अपना एब्स्ट्रैक्ट वो कहेंगे 200 शब्दों के अंदर लिखो, कम शब्दों के अंदर गहराई के साथ अपनी बात कह लेना और अपनी बात को दूसरे के दिमाग तक जो है कम्युनिकेट करना एक कला है। एनईपी 2020 के अंदर पावर ऑफ लैंग्वेज की बात की गई है, ठीक है। अब मेरी यूनिवर्सिटी इंग्लिश मीडियम यूनिवर्सिटी है, मेरे पास पीएचडी का स्टूडेंट आता है ना, तो मैं कहती हूँ भाई तू अपनी मातृभाषा में लिख, तू मणिपुरी है तो मणिपुरी में लिख, जब तू मेरे को तो मणिपुरी नहीं आती, मैंने कहा जब तू मणिपुरी में लिख ले फिर उसको इंग्लिश में ऐसे टीचर से ट्रांसलेट करा ले जो मणिपुरी हो और इंग्लिश का टीचर हो, तो वो मणिपुरी से इंग्लिश में बहुत आराम से ट्रांसलेट कर देगा। लेकिन बात क्या है, जो तुम ओरिजिनली कहना चाहते हो वो तो पहुंच जाएगा, चाहे वो मणिपुरी में पहुंचे चाहे अंग्रेजी में पहुंचे। लेकिन अभी आप सोच के देखो, अभी आप मेरे साथ पीएचडी करने आ जाओ और आपकी हिंदी तंग है, सॉरी इंग्लिश तंग है। क्यों तंग है? क्योंकि आप जो है हिंदी भाषी क्षेत्र में रहते हो, वहां पे अध्ययन अध्यापन का कार्य जो है हिंदी के अंदर हो रहा है, तो आप जो है जो कहना चाहते हैं वो अंग्रेजी में कैसे कहेंगे? मैं अभी आपके साथ हिंदी में बात कर रही हूँ, मैं अभी अगर कलकत्ता में अपना वक्तव्य दे रही होती तो आई वुड हैव बीन टॉकिंग इनटू केस्ट इंग्लिश। लेकिन ये चीज जो है कब कैसे आई, मैं खुद 50 साल का एक्सपीरियंस है मुझे बोलने का,
बचपन से लेकर आज तक, पहले घर में बोले, फिर स्कूल में बोले, कॉलेज में बोले, दोस्तों के साथ बोले, फाइनली आके जो है स्टूडेंट्स के सामने बोले, तब जाकर ये कॉन्फिडेंस बन पाया। ये लॉन्ग ड्रॉन प्रोसेस है, ठीक है। तो वो जो भी कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी का जर्नल था, वो उनकी जो थी लिमिटेशन थी, ठीक है। आपकी एक लिमिटेशन ये थी सर कि आपने, उन्होंने कहा था उस चीज को प्रभावी तरीके से आप कह सकते थे, क्योंकि अभी मैं कहूं अगर आप मेरे हिस्ट्री के स्टूडेंट होते, क्या वो अपना आर्टिकल मॉडर्न एशियन स्टडीज के अंदर छापे? वो तो कैम्ब्रिज का जर्नल है, तो कैम्ब्रिज के जर्नल में अपनी बात कहने के लिए मेरी अंग्रेजी का लेवल यहाँ होना चाहिए, ठीक है। तो बेसिकली क्या है कि जो मैंने आपसे कहा, अगर आपको डेट को, क्योंकि जिस टीचर का इंट्रोडक्शन शेफाली जी ले रही थी, उन्होंने कहा मैडम मेरे को 15 महीने हुआ है, ठीक है। तो आज वो जो 15 महीने में है ना, आपने 45 महीनों के बाद प्रोसेस जो होता है वो कंटिन्यूस होता है, है ना। तो जनरली क्या होता है हायर एजुकेशन इंडिया में, जैसे एक लड़के की पीएचडी पूरी हो जाती है, वो सोचता है मेरा हो गया, अब बस मैं नहीं पढ़ूंगा, और वो वहीं पे स्टेगनेट होके रह जाता है। लेकिन जो लड़का पीएचडी को बिगनिंग ऑफ रिसर्च कैरियर मानता है, ठीक है ना, वो जो है किस एकेडमिक प्लिंथ पे जाता है, जहां पर विक्रम साराभाई और कस्तूरी रंगन या सीवी रमन या एक्स वाई जेड कोई रहे, अमृत सेन भी हो सकते हैं, मनमोहन सिंह जी भी हो सकते हैं, सुब्रमण्यम स्वामी भी हो सकते हैं, इरेस्पेक्टिव ऑफ देयर थॉट प्रोसेस, वी कैन से अबाउट देयर कंट्रीब्यूशन इन द डिसिप्लिन। और कोई प्रश्न पूछना चाहे तो? Yes, ma'am. I do have a question. Please introduce yourself. Sure, ma'am. Myself, Animesh Bhatt. I'm an assistant professor in English. I'm from West Bengal. So it won't be possible for me to put my question in Hindi. So I think English should go ahead. I just thought that majority of you are from Haryana and Punjab. So I decided to speak in Hindi, but the reading material which is reaching to you is from Dr. Uma Das Gupta. It is totally in English. Yeah. Sure, ma'am. Recently, I have joined a seminar on NEP. Conducted by some NAC speakers, but I haven't read NEP totally. That should I admit first? And after your brilliant lecture on NEP, one thing I have understood that it's a kind of new system where all the disciplines are trying to yoke together to produce a new thing. I mean, history, science, literature, or any other discipline are going to put a different India in a new the technological age. That's what I've understood. But one thing, it's my inquiry. So I think you'd be elucidated on that or not. I mean, every discipline has its own epistemology, right? I mean, English has its own epistemology, just like history and other subjects. Now, if all these disciplines are going to be yoked together, then is there any possibility to lose the uniqueness of that discipline? I mean, my literature certainly has its own aesthetics point. I mean, it has its own theoretical or other understanding. So if I get confused with other discipline, so is there any possibility to lose my own authenticity, my own approach? Okay, this is a wonderful question. Firstly, I will respond in three ways. Number one, don't use the term new. It is not new. Okay? Right. Let us start from what we know from our mother. Okay? Whether you are Bengali, I am not. Okay, but I think our mothers had been the same. Okay, right. When your mother, grandmother have taught you something, when you have just started to walk on your two feet, they must have told you some mantra. Okay, it could be in Bengali, it could be in Sanskrit, it could be in a local language. So what had come to you? Okay, and what you got to know is that this statement is not belonging to one discipline. Rather, it is a product of many disciplines. Okay, let us talk about Prarthana. Okay, I'm just reciting. Hey, Anand Data, Gyan Hamko Dijiye,
लीजिए शरण में हम सदाचारी बने. ओके यू जस्ट ट्रांसलेट इन बंगाली इफ यू हैव अंडरस्टूड जस्ट से इट इन बंगाली. विल यू प्लीज रिपीट वंस अगेन. हे आनंद दादा ज्ञान हमको दीजिए लीजिए शरण में हम सदाचारी बने. If I go by Bengali, then it would be like, "He Anondo Data, apni nije ke amake apna shorone nin, ebong amake ei jagot ebong ei world somporke dharona din." Okay, and I think that you have understood the sense. Yeah, I have understood okay. the sense. So right. it means that the one who gives pleasure to the world, right. I pray to you, I bow to you to give me knowledge, to right. give me not knowledge, to give me wisdom. Yeah. Now this knowledge is not, knowledge is what I was talking to you. Right? Yeah, there, from yeah, there is a difference between information and wisdom. Right. You are asking for the wisdom so that yeah. we are good, we do good and we in fact spread goodness. Okay. Irrespective of religion, irrespective of caste, irrespective of creed, this thing has gone. Now, all of you who belong to different discipline, analyze this statement and see how it fits into your discipline. Right? If yeah. I had been a scientist, it means that the scientific research I am doing, oh God, please give me wisdom. So whatever scientific research I do, it is for the good of the society. Because that thing only makes me good. Okay. If I am I'm a student of philosophy, I would be asking for the wisdom so that the thought process which I would be proposing to the society establishes calmness, peacefulness, and non-violence in that person. Because these are the things which are good for the society. Mm-hmm. Okay. So now if it is a computer science person, naturally, he would be coming with a software, right? And in fact, he would be preparing an antivirus so that the good things are not destroyed. Okay, right. It's a soldier. You know, see, all of you are going to construct in yourself and that becomes the prarthana becomes the ideal thing. Okay, and then you have those layers. Okay, so one thing is that I'm responding, do not use the term new. The new education policy, though they have said new, no, this is national education policy, where the aims remains the same. The same aim, in fact, was stated in the Rig Veda. Mm. Like the noble thoughts come in from all directions, okay? But the right. problem here, the problem is that what you evolved, right, from the Gurukul Vyavastha, later on coming to the new institutions that had come, right, we have not achieved that goal of goodness. Mm-hmm. Okay, fine. So that goodness has to be constructed through the process of production and through the process of consumption. Now your second fear that if we go in interdisciplinarity, multidisciplinarity, where we may lose the essence of that discipline. Sir, you will never lose it. See, if you are a person of literature, I am a person of science, okay? So what you say, you use your imaginative power, and if you address that imaginative power to me, I will see, is this imagination real or it is still imaginative? In the process of the journey of reality and imagination, I am sure you will be coming on the midway where imagination seems to be real or it will be proved as real. Example is, God lives in the space. Okay, you have explored space. At least you know that God is not in the space. God is still in your heart. Right. God is in your conscience. God is in your consciousness. Is this clear? Okay. Yeah. But when NEP document is there, it is actually for more powerful implementation. It is there to address the challenges that Indian human society is facing. It is for growing and in fact become a powerhouse. I'm not saying number one, I'm saying powerhouse.
very consciously, you are a person of literature, I'm a person of history, and there is a great connect between literature and history, right? And we cannot be careless in using the words. Okay, so a historian and a person with literary skill has to be very, very careful as far as their vocabulary, their glossary, their thesaurus is concerned, or their lexicon is concerned. Right. Yeah. Anybody else? Thank you, ma'am. So Shefali ji, I think there are no questions. Ji, ma'am. I think there is an elaborative discussion on the question that the two participants has already given. And we had a very good session from you regarding the lot of courses about the people, the intellect that India had and how they have been achieving even at the global level. I think we must all survive and revive again. The intellect that we had, though the situation, even at that time, what the ma'am has talked about, we were having very adverse situation. We were dominated. We were a colony of the different country. And despite of all those challenges, we have been receiving the Nobel prizes in the field of academics. But why not today, when we are a very powerful country, emerging to be the one of the very this present time when the India is becoming a very powerful country, these ups and downs that keep on existing in the economy, just like our lives, we may even conquer. And to which ma'am has suggested, which has come up now, can be one of the tools and techniques to reach up to that level. It depends totally on the teachers and the institutions, and the institution rather, which are built by the teachers and the students. The onus on the teachers is very high. If we study the document of the NEP, that everything has to be devised and created by us. Jaise abhi ma'am bata rahe the ki ye khud hi ek committee mein hai aur ye apne experiences se hi sab kuch create kar rahe hain. तो अब हमारे पास कोई बेस नहीं है, हमें अपने अनुभवों से ही चीजों को लेकर आना है, उसे बनाना है, उसे इम्प्लीमेंट करना है, और जिस तरह की सोसाइटी हम अपनी इमेजिनेशन में रखते हैं वो क्रिएट करने का हमारे पास मौका आया है. इस अवसर का यूटिलाइजेशन हम कैसे कर सकते हैं, इस चीजों के ऊपर बात करी है आज मैम ने. हम आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं मैम, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं आपको. इतनी थॉट प्रोवोकिंग जो आपने ब्रेन स्टॉमिंग, मुझे मैं ये कहना चाहूंगी, जो ब्रेन स्टॉमिंग सेशन हमारा हुआ है, हमें बहुत सारे क्लू आपसे मिले हैं जिसके ऊपर हम सोच सकते हैं, जिसके ऊपर हम डेवलप कर सकते हैं अपने रिसर्च को, अपने टीचिंग को, अपनी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को. और आपने हमारी यूनिवर्सिटी के लिए भी बहुत सारे पॉइंट्स दिए हैं. आई वुड डेफिनेटली शेयर इट विद आवर ऑनरेबल वाइस चांसलर प्रोफेसर सुषमा यादव मैम जी. और मैं हम चाहेंगे कि उन पॉइंट्स के ऊपर हमारी यूनिवर्सिटी के अंदर डिस्कशन भी हो और आगे हम उसके ऊपर काम भी करें. तो उस चीज के लिए भी मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ, बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहती हूँ. और उम्मीद करती हूँ कि जो आपने आज हम सब लोगों को बहुत सारे जो एरियाज दिए हैं सोच विचार के, उसके ऊपर हम सब लोग काम करेंगे. सभी प्रतिभागी भी अपने अपने इंस्टीट्यूशन के अंदर अपनी अपनी जगह पर इसको लगाने का. मानव संसाधन विकास केंद्र की ओर से, अपने विश्वविद्यालय की ओर से और अपनी ओर से आपका पुनः बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ, धन्यवाद देती हूँ हमारे साथ जुड़ने के लिए. अभी हम लंच ब्रेक लेते हैं और फिर हम 3 बजे करीब फिर जुड़ेंगे एक सेशन के लिए, जिसमें डॉक्टर अजय शर्मा जी हमारे साथ होंगे. तो आप लोग भी एंजॉय करिए अपने लंच को और फिर से इसी लिंक के साथ हम जुड़ रहे हैं पुनः. बहुत बहुत धन्यवाद सबका. थैंक यू मैम.